Hello, everyone. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. I am I'm, I'm audible and visible you all properly. Anamika, Prashant, Asha, Saroj. Very good evening, everyone. Please do let me know. I am audible and visible you all properly. सो good evening, good evening, good evening. Yes. Okay. So, आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज डिस्कशंस, राइट सो दैट कि आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रहें जैसे मैंने आपसे लास्ट सेशन में कहा था कि हम ग्रामर फाउंडेशन सीरीज शुरू कर रहे हैं और यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रेलिवेंट हैं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनकी यहां पे चर्चा करेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो दैट कि आपकी क्लैरिटी यहां पे होती रहे तो हम शुरुआत कर रहे हैं मॉडिफायर्स से राइट right? मॉडिफायर्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम और जब मैं मॉडिफायर्स कह रहा हूं तो मैं दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं यहाँ पे पहला है आपके पास एडजेक्टिव और दूसरा है एडवर्ब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यही दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके पास बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने का या डिस्क्राइब करने का काम होता है अब एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फर्क है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है बिकॉज एक ही जो शब्द है वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और वो एडवर्ब का भी काम कर सकता है एक वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है वो एडवर्ब का भी काम कर सकता है आइए थोड़ी सी पड़ताल करते हैं आप मुझे सही सही बता पाए यहां पे आई एम गोइंग टू राइट टू सेंटेंसेस और आज की क्लास में मैं आपको बता दूं ये करने वाले हैं हम टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव करने वाले हैं बट थोड़ा सा बेसिक्स को एक बार ब्रश अप कर लेते हैं इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक यू आर इंटेलिजेंट इनफ यू आर इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड this this is the first sentence and the second sentence is you have enough intelligence you have enough intelligence to understand this if i ask you this very simple question that what is the grammatical profile of the enough in the first sentence And what is the grammatical profile of the enough in the second sentence? In both the sentences I have used the word enough. In one sentence the word is acting as an adjective and in second one that is acting as an adverb. अब आपको ये बताने कि किसमें ये adjective का काम कर रहा है, किसमें ये adverb का काम कर रहा है? बताओ मुझे आप. First में adjective है या adverb है या second में adjective है या adverb है? Do let me know. आज अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप बिल्कुल कर लें यहां पे और बहुत ही पुराना क्वेश्चन टाइप है ये चलिए अब मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं सो so, फर्स्ट में एडवर्ब है सेकंड में एडजेक्टिव है सेकंड में एडजेक्टिव है ओके okay? सो so, इधर उधर जा रहे हैं आप देखो इनको जरा पहचानने का काम कर लो अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो सीरीज शुरू होती है नाउन प्रोनाउन फिर आती है बात एडजेक्टिव की फिर वर्ब है और फिर आपके पास एडवर्ब है मोटे तौर पे ये दिमाग में रखो आप कि भाई नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी किसकी है एडजेक्टिव की है सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड अ नाउन और प्रोनाउन एज सिंपल एज दैट एंड वॉट इज एन एडवोब एडवोब इज अ वर्ड दैट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब कॉमा एंड एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस सो एडव ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब करता है उन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी किसकी है एडवॉप की है नाउ लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड इंटेलिजेंट वर्ड इज वॉट वॉट इज द द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ वर्ड इंटेलिजेंट वेरी सिंपल इट्स एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव है आपका विशेषता बता रहा है प्रोनाउन की यू इज द प्रोनाउन यू को डिस्क्राइब कर रहा है सो दिस इज एडजेक्टिव एंड जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं एडवॉप तो यहां पे जो है ये एडवॉब का, का काम कर रहा है और दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री कि वो उतना समझदार तो है ही कि इसको समझ सकता है नाउ यू हैव एनफ इंटेलिजेंस इन द सेकेंड सेंटेंस वॉट यू फाइंड दिस वर्ड इंटेलिजेंस इज वॉट दिस इज एब्रैक्ट नाउन राइट एंड वॉट एवर कम्स बिफोर नाउन एंड क्वालिफाइज दैट आर मॉडिफाइज दैट आर डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड वॉट एडजेक्टिव सो सेकंड सेंटेंस में एनफ इज इज इट एडजेक्टिव एंड वॉट काइंड ऑफ दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी this is adjective of quantity because intelligence is abstract noun you can't give a number to this आप इसको कोई नंबर नहीं दे सकते Uncountable है ये तो कहने का क्या मतलब है कि एक ही शब्द जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए बिकॉज़ कई बार हम कुछ परसेप्शन बना लेते हैं कि एडवर्ब्स आर मेड जस्ट बाय एडिंग एलवाई विद एन एडजेक्टिव क्लेवर एडजेक्टिव है तो उसमें एलवाई ऐड uh, कर लिया क्लेवरली दैट बिकम्स एडवर्ब नो इट्स नॉट ट्रू ऑल द टाइम इंग्लिश में भाई ग्रामर में खास तौर से आप देखोगे हर कॉन्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन मौजूद है तो कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे करके आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो हर जगह पे एप्लीकेबल है एलवाई लगा के एडव बनाते हैं हम डेफिनेटली एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर दो आप सफिक्स के तौर दैट बिकम्स बट वी हैव लॉट ऑफ एडजेक्टिव जहां पर एलवाई लगता है लाइक यू से मंथली वीकली सो वीकली न्यूजपेपर मंथली मैगजीन तो यहां पे एलवाई इज वॉट दैट इज एडजेक्टिव राइट right? या आप अपने वीकली टेस्ट की बात करते हो या आरबीआई की बाई मंथली पॉलिसीज हैं इन ऑल दीज केसेस या हम कहते हैं वॉट एन लवली पर्सन ही इज लवली इज इज दैट नॉट तो कभी भी इन चीजों को रट के नहीं बैठना दिमाग में हमें राइट right? तो so, पहली बात तो आपको यह समझ में आ गई कि एक ही शब्द जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड ग्रामर इज ऑल अबाउट टू थिंग्स टू फैक्टर्स इट्स अबाउट द वर्ड प्लेसमेंट कि आप शब्द को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं एंड सिलेक्शन वर्ड वर्ड को चूज कर पा रहे हैं सही शब्द को सेलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो ये तो बात हो गई एडजेक्टिव और एडवर्ब की डेफिनेशन थोड़ी सी अब हम जब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं तो एडजेक्टिव में जो सबसे बेसिक सी बात है वो क्या है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डिग्री ऑफ एड्जेक्टिव पॉजिटिव कम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव सो ये तीन डिग्रीज का क्या मतलब है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन एंटिटी एक इंसान एक सामान कोई भी इसीलिए मैंने एंटिटी शब्द का इस्तेमाल किया यू यूज पॉजिटिव डिग्री बटन यू हैं और दो से जब ज्यादा हो दो से ज्यादा हो मोर देन टू हो और उनमें से आपको किसी एक को बेहतर बताना है तो वहां आप सुपरलेटिव लगाते हैं दिस इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिग्री राइट सो so, uh, इस बात की समझ रखनी है और सारी कॉन्सेप्ट इसी के आसपास घूमते हैं अब विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द विदेश जहां पे हम आज एडजेक्टिव के टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले अच्छा एक छोटी सी बात और उसके पहले कई बार ये कंफ्यूजन होती है वो मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं uh, अगर मान लीजिए हमने एक मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा कि शी इज ब्यूटिफुल शी इज ब्यूटिफुल एंड द सेकेंड वन इज शी इज द ब्यूटिफुल लेडी उट ऑफ दीज टू सेंटेंस दर्ड ब्यूटीफुलट विल बी ये मैं आपसे ये सवाल पूछूं दोनों में से कौन से ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है पहले में दूसरे में या कुछ और जवाब आपको लग रहा है वॉट डू यू से सचिन यादव इंग्लिश बहुत वीक है सर बिल्कुल बिल्कुल बैच आ चुका है बैंकिंग का डोंट वरी मैं बैच के बारे में डिटेल्स बाद में दूंगा आपको पहले साथ में यहां ध्यान देते चलो देखिए एक ऐसी गलती जो हम कॉमनली करते हैं यहां पे खुशी का आंसर रेक्स्टर का आंसर गलत है काफी लोग सही है बेसिक सी बात है ध्यान रखो देखो डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ी कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन सो इफ वी लुक एट दीज टू सेंटें दोनों पे अगर हम निगाह डालते हैं तो पहले सेंटेंस में वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है शी शी को को कर रहा है इज प्रोनाउन प्रोनाउन जो डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है तो यहां ये यह बिल्कुल एडजेक्टिव है और इसे हम कहते हैं किस तरह का एडजेक्टिव दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ध्यान रखें आप प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव तो जब भी आप एडजेक्टिव से सेंटेंस का एंड करते हो जैसे मैं, मैंने मैंने अगर ये कहा कि दिस बोर्ड इज वाइट

Uh, हमेशा एडजेक्टिव तभी होगा जब वो नाउन से पहले आएगा तो उसके अपने कारण हैं मैं उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं जाने वाला अभी यहां पर uh, उसके कारण यही है कि एडजेक्टिव के जितने टाइप्स हैं उनमें सिर्फ एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल होता है यानी प्रेडिकेटिवली भी और एट्रीब्यूटिवली भी बाकी एडजेक्टिव के जितने भी टाइप है चाहे एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी की बात करो नंबर की बात करो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये सब के सब जो हैं या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इम्फेटिक एडजेक्टिव वो सब नाउन के पहले ही आते हैं तो कहीं डीप डाउन सब कॉन्सियस में हमारे ये बैठा रहता है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आता है तो बट ये गलतफहमी आपके दूर हो गई आइए अब इतनी जानकारी के साथ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला सवाल आपके सामने है और इस सवाल के साथ इस क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे क्वेश्चन इज एट द प्राइम ऑफ एसी योर आइडियाज साउंड रीजनेबली एंड आई थिंक इट मे वर्क इन दिस सिनेरियो ज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट और अगर इनकरेक्ट है तो आप इसको कैसे करेक्ट करोगे और क्यों करोगे यू हैव थर्टी सेकेंड्स फॉर दिस एंड देन विल हैव द डिस्कशन टाइमर भी आपके लिए लगा देता हूं आंसर करें फटाफट रियांस कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो रहे हैं यहां पे। ये शुरू किया है ग्रामर फाउंडेशन जितने इंपॉर्टेंट रिलेवेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सब रिवाइज हो जाएंगे चलिए योर टाइम इज अप। योर टाइम इज अप कितने लोगों को पता चल गया कि कहां पे एरर है या नहीं है या लग रहा है नहीं सर हम बड़े अहिंसक लोग हैं हमें तो सेंटेंस बिल्कुल सही नजर आता है प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर वर्ड में है यहां पे रीजनेबली लिखा है जो कि गलत है यहां पे होना चाहिए रीजनेबल अब सवाल यह है कि रीजनेबल शब्द की अगर हम बात करते हैं तो दिस वर्ड इज वॉट इट्स एडजेक्टिव और रीजनेबली है तो ये एडवर्ब है अब फिर आपका ज्ञान ये कहेगा कि साउंड जो शब्द है यहां पे दैट इज वर्ब और वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है एडवर्ब तो हमें पहली नजर में ये लग सकता है कि correct, बहुत ही प्यारा है ये, नाम से पता लग रहा है वो वर्ब जो किसी का स्टेट बताएं कि वो किस कंडीशन में है किस अवस्था में है किस हालात में है तो स्टेटिव वर्ब्स की कुछ खास बातें होती है और ये कई सारे चैप्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है ये टेंस के साथ जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ आपको दिख ही रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं टेंसेस के साथ है ये डेफिनेटली सो टेंस एडजेक्टिव एडवर्ब से चार चैप्टर के साथ ये टॉपिक संबंधित है अब स्टेटिव जो होते हैं इनको कौन डिस्क्राइब करता है इनको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि स्टेटिव वर्ब्स आर डिस्क्राइब आर मॉडिफाइड बाई What adjective? ये concept आपको इस क्वेश्चन से मिला ठीक है अब यह स्टेटिव वर्ब कहा से आयाउंड जो शब्द है ना यह स्टेटिव वर्ब है आपके स्टेटिव वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है सेंस परसेप्शन वाले वर्ब सेंस परसेप्शन वाले वर्ब जो है राइट right? या मेंटल एक्टिविटी वाले जो वर्ब है इनके साथ आपको ध्यान इनको भी हम स्टेटिव बोलते हैं मेंटल एक्टिविटी ठीक है इमोशन फीलिंग एक्सप्रेशन वाले जो वर्ब्स हैं आपके और क्या आ जाता है वर्ब ऑफ पजेशन यानी वो वर्ब्स जो किसी चीज के ऊपर आपकी मालकियत दिखाते हैं उन सभी के साथ ये बातें एप्लीकेबल है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब देखिए साउंड जो है वो हमारा सेंस परसेप्शन है आया ना सबके सुनने की क्षमता अलग अलग हो सकती है इस कैटेगरी में और क्या आ सकता है स्मेल आ सकता है ठीक है स्मेल आ सकता है टेस्ट आपको एग्जाम में मिल सकता है इस तरह के वर्ब मिल सकते हैं तो अब ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड हैं अब जैसे मान लो इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं कि दिस फूड टेस्ट टेस्ट्स डिलीसियस delicious या डिलीसियसली किसके साथ जाने वाले हो यहां पे? किसके साथ जाने वाले हैं डिलीसियसली या डिलीसियस तो आपको समझ आ गया अभी पीछे ही मैंने बताया कि टेस्ट जो है यहां पे अगेन स्टेटिव वर्ब है आप किसी खाने को लेकर के अपनी उसका स्टेट बता रहे हैं और वो किसके द्वारा डिस्क्राइब होगा वो एक एडजेक्टिव के द्वारा डिस्क्राइब होगा वो यहां पे सही है यहां पे ये गलत है तो मैंने जो थोड़ी देर पहले बात कही थी कि आंख बंद करके चीजों को नहीं रट लेना है कि नहीं वर्ब को तो एडवर्ब करता है ये जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं इनको कौन डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा ऐसे ही अगर आप सेंटेंस इस तरह का लिखो कि दिस फ्लावर दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट दिस फ्लावर स्मेल स्वीट This is the sentence. Second one. I am smelling this flower. अब मुझे बताओ आप क्या ये दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं इसमें दोनों सही हैं या इसमें से कोई एक गलत है या दोनों गलत हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब स्मेल को भी हमने उसी में रखा है सेंस परसेप्शन वाले वॉब में भाई आप किसी चीज को स्मेल करके जो राय रखते हैं वो आपकी अपनी राय है ना जैसे वही खाना किसी को तीखा लगता है किसी को ठीक ठीक, ठीक लगता है एक ही घर में कोई तीखा खा रहा होता है को, आ, कोई नॉर्मल खाता है किसी को कम मिर्च चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए तो आप किसी खाने के बारे में अगर चार लोग चार अलग अलग राय रख रहे हैं तो वो उनका परसेप्शन है वो उनका प्रोजेक्शन है वो रियलिटी नहीं है और इसीलिए आप

अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसके इनडेफिनिट वेरिएंट में आप इसको लिखते हो इनडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं स्टेटिव वर्ब्स के साथ यानी आप यहां पे आईएनजी वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते अब यहां पे आईएनजी वाला इस्तेमाल दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे कि नहीं जो स्मेल के साथ तो हमें इनडेफिनिट में बात करनी है इसमें हम आई नहीं लगा सकते नहीं यहां लगाना बिल्कुल जायज़ है अब फर्क समझ लीजिए इसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप फूलों की क्यारियों के बगल से गुजर रहे हैं और आपको महक आई और आपने उसका स्टेट बता दिया कि ये फूल अच्छे महक रहे हैं हिंदी बोलने में आप रहे हैं बोल रहे होगे इसीलिए वो ट्रांसलेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है हिंदी अंग्रेजी की सीधी शादी करने की कोशिश मत किया करो आप सो so, वो हो गया स्टेटिव वर्ब लेकिन वहीं पे आप जब एक फूल को तोड़ करके अपने नाक के पास ला करके सूंघने की कोशिश कर रहे हो तो अब वो स्टेटिव वर्ब नहीं है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब यानी उस समय वो एक्शन चल रहा है वो एक्शन चल रहा है और जब वो कॉन्टिन्यूटी में है तो आप कॉन्टिन्यूस बिल्कुल लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी जैसे हमने टेस्ट का एग्जाम्पल लिया तो आप कोई खाना खा रहे हो उसके बारे में अपनी राय रख रहे हो खाने का स्टेट बता रहे हो कि आपके हिसाब से खाना कैसा है तो वहां पे तो आपने एडजेक्टिव लगा लिया लेकिन मान लीजिए प्रोफेशनल तौर पे आप एक कॉफी टेस्टर हैं राइट या आप केक टेस्ट करते हैं या जैसे वाइन टेस्टर होते हैं यानी आपका प्रोफेशन ही है कि किसी खास चीज को खा करके उसका टेस्ट बताना तो मान लो आप एक खास समय कोई कॉफी uh, जो है वो सिप कर रहे हो और सिप करके उसका टेस्ट बता रहे हो सो एट दैट मोमेंट यूजिंग आई विद विथ टेस्ट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इज एब्सोल्युटली करेक्ट देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल सो दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश आर ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल दैट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट कि आप उसको कहां पे यूज कर रहे हो और कैसे यूज कर रहे हो सो so, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हर क्वेश्चन के साथ डिस्कशन जो होगा वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा मेंटल एक्टिविटी की बात करिए अपने आप में बड़ा टॉपिक है मतलब चालीस मिनट तो सिर्फ इसी में लग जाएगा तो बाकियों के बारे में कभी बात में बात कर लेंगे बस इतना ध्यान रखिए मेंटल एक्टिविटी में किस तरह के वो वर्ड यहां पे आ जाएंगे जैसे अज्यूम है आपके पास अज्यूम है प्रिज्यूम है कंसिडर है थिंक है ये सब मेंटल एक्टिविटी के वर्ब हैं तो टिपिकली इनको भी हम कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते इंडेफिनेट में यूज करते हैं ठीक है इनको हम इनडेफिनेट वैसे ही आप इधर देख लो तो भाई लव है लाइक है हेट है विश है इनको भी हम इन जनरल इन जनरल मैं बार बार ग्रामर में इन जनरल बोलता हूं इसीलिए बिकॉज दूसरा मॉडल भी पॉसिबल है इन जनरल वी यूज वॉट इनडेफिनेट आई लव यू नॉट आई एम लविंग यू आई लव यू आई हेट यू आई लाइक यू आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे राइट सो इसमें पॉइंट यही है कि जो आपका

जहां निश्चितता नहीं है वहां अनिश्चितता वाला वेरिएंट लगाना यानी इंडेफिनेट लगाना है और ये कारण है कि आप अब जैसे देखो थिंक का जैसे उदाहरण लेते हैं यहां पे थिंक का एग्जांपल लेते हैं मेंटल एक्टिविटी में आया है अब आप दो तरीके से यूज करते हो अब सपोज आपके दोस्त की शादी है और आप उसके साथ शॉपिंग के लिए गए और वो अपनी शेरवानी ट्राई कर रहा है और आपसे पूछ रहा है यार तुम्हें कैसा लग रहा है ये ठीक है मेरे पे जंच रहा है आई थिंक ठीक ठीक सा है कुछ और भी ट्राई कर सकते हो तो वहां पे आपने आई थिंक बोला वहां पे तो उधर तो हम क्या लगा सकते हैं इनडेफिनेट लगाएंगे क्योंकि वहां पे अगेन आप अपनी राय रख रहे हैं वहां पे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जस्ट ऐसा नहीं कि लिटरली आप बैठ करके किसी चीज के बारे में बड़ी गहराई से चिंतन मनन कर रहे हो यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग ओवर समथिंग यू आर पॉन्ड्रिंग ओवर समथिंग नो इट्स नॉट यू आर जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड योर ओपिनियन लेकिन वहीं पे सपोज यू हैव अ प्रोजेक्ट और कल उस प्रोजेक्ट का सबमिशन है और आप पूरी रात उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप सोच में डूबे हैं यू आर डूइंग ब्रेन स्टॉर्मिंग कमरा बंद करके काम कर रहे हो दिमाग चल रहा है तुम्हारा लगातार सोच रहे हो तो वहां पे आप थिंकिंग लगा सकते हो तो कोई ये कहे अगर आपको नहीं इनमें आई नहीं लगता है रूल रट के बैठ गए इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं मेरे साथ ना तो आप ग्रामर के रूल रटोगे ना वो कैब कुछ रटोगे ना कॉम्प्रेहेंशन हर चीज का एक साइंटिफिक अप्रोच समझने की कोशिश करोगे अगर आपने ये रट लिया कि नहीं इन वर्ब में आईएनजी नहीं लगता ये डेंजरस बात है लगता है कब लगता है कहां लगता है ये पता होना बहुत जरूरी है अब जैसे यहीं पर हम बात कर रहे हैं इमोशन फीलिंग्स की तो यहां हम लगा सकते हैं आई बट द मोमेंट यू पुट आई एन जी, जी विदीज वर्ब्स समय वो एक्शन हो रहा है अगर आप किसी से कह रहे हैं आई लव यू फीलिंग so, आप अपना जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहे हो मैं तुमको प्यार करता हूं बट द मोमेंट यू से आई एम लविंग यू नाउ इॉट जस्ट लिमिटेड इमोशन एंडिंग नाउ यू गॉट इन टू समिजिकल एक्टिविटी दैट काइंड ऑफ मीनिंग इट पुट्स फॉरवर्ड सो इतना डिफरेंस आ जाता है एक आई एनजी लगा देने से या जो मैग्डी का पंच लाइन है आई एम लविंग इट आई एम लविंग इट इज नॉट लाइक यू आर रियली लविंग दैट बर्गर या वहां पे वो लाइक like वाला सेंस आ गया तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इन वर्ड्स में आईएनजी लगाते हो ना तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है उस मतलब के लिए अगर आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आईएनजी लगाना बिल्कुल जायज है लेकिन अगर वो मतलब नहीं है तो आप नहीं लगा सकते जैसे यहां पर वो सब पजिशन की हम बात करें हैव का मतलब रखना होता है हैव है ओन है पजेज है राइट बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं लेकिन मैं सभी से एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूं अब जैसे हैव की बात है आप कहो कि आई एम हैविंग माई लंच आई एम हैविंग माई डिनर आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट इट इज एब्सिल्यूटली फाइन यहां पे कोई आपको दिमाग में रटाए कि नहीं हैव में नहीं लगता है मैंने पढ़ा था वो गलत बात है कब नहीं लगता रखने के लिए नहीं लगता है अगर आप ये कह रहे हो कि आई एम हैविंग माई लंच बॉक्स इन माई बैग दैट इज इनकरेक्ट वहां पर आपको कहना पड़ेगा आई हैव माई लंच बॉक्स इन माई बैग दिस इज करेक्ट बट इफ यू आर आई एम हैविंग माई लंच मीन्स वॉट यू आर ईटिंग योर लंच तो अगर आप खाना खा रहे हो और उसके लिए हैविंग लगा रहे हो तो वहां पे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है आप आई लगा सकते हैं राइट सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डू रिमेंबर दिस और यहां पे हमें बात क्या समझ आई एडजेक्टिव एडवर्ब के हवाले से कि स्टेटिव वर्ब्स आर क्वालिफाइड बाय व्हाट एडजेक्टिव्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव इस अगो ही यूज टू बी अ अर मैन बट नाउ ही हैज बिकम अ जेनरस पर्सन यस आई थिंक फिफ्टीन सेकेंड्स आर मोर देन एन इससे भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं चलिए टाइम इज अप यहां पे इस वर्ड में प्रॉब्लम है कर रहे हैं आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा की थी कि हम कभी ये रट के ना बैठे कि भाई LY लगा के एडवो बनता है है हमेशा ये एडजेक्टिव तो इस बात का आप ध्यान रखें ऐसे बड़े सारे शब्द निकल के आते हैं जैसे अभी हमने बात करी थी यू हैव माइजरली नो यू हैव लवली वीकली मंथली राइट ऑल दीज वर्ड्स आर वॉट बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ये सारे के सारे शब्द क्या हैं ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव तो आपको जब एडजेक्टिव की जरूरत है तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे ही स्कॉलरली पर्सन राइट और फिर एक मन में सवाल ये पैदा होता है कि जब हम एलवाई लगा कि इन के इन वर्ड्स को एड्जेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे हैं आई एम सपोज टू यूज दीज वर्ड्स एज एन एडव देन कैसे मैं करूंगा तो कैसे करोगे आप अब जैसे आपने सिंपल सा सेंटेंस बोला कि भाई ही इज अ माइज़र, ही इज अ माइज़र, देन ही इज अ माइज़रली पर्सन ही इज अ माइजरली पर्सन एंड ही कंडक्ट हिमसेल्फ इन अ माइजरली मैनर राइट सो आपको ये एडवर्बियल फ्रेज यूज करना पड़ेगा जब आप इसको एडवर्ब के तौर पर यूज करना चाहते हैं सो इन माइजरली मैनर और इन अ माइजरली फैशन इस तरह का एडवर्बियल फ्रेज आपको बिकॉज फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड तो यहां पर एक शब्द एडवर्ब का काम नहीं कर रहा यह चार शब्दों का समूह एडव का काम कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप दिस माइजर इज नाउंड राइट दिस इज एडेक्टिव एंड दिस पोर्शन इज वॉट दिस इज एड वो तो ऐसे बहुत सारे शब्द एग्जाम में आते हैं इनका ध्यान रखेंगे आप तो पहले कंजूज था बट नाउ ही हैज बिकम अ जेनरस पर्सन मग्नेनिमस देर इज अ वर्ड मग्नेनिमस मैगनारूट वर्ड बड़े दिल वाला नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यू डेरोगेटरी कमेंट यू मेड ऑन हिम हैव डिस्टर्ब हिम अलॉट सो यू मस्ट अपॉलोजाइज हिम फॉर दिस बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यहां पे दिक्कत आती है इसमें आपके पास लिटिल है और फ्यू है कई बार हम इसमें डिफरेंसिएट नहीं कर पाते उसके बाद अगली समस्या पैदा होती है लिटिल और अ लिटिल में क्या फर्क है एंड देन यू हैव द लिटिल राइट हेयर यू हैव अ फ्यू एंड द फ्यू वॉट्स द डिफरेंस सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू इज वॉट लिटिल का इस्तेमाल आप करते हो अनकाउंटेबल नाउन के पहले और फ्यू का इस्तेमाल करते हो काउंटेबल नाउन से पहले ये आपका पहला डिफरेंस लिटिल और फ्यू के बीच में हो गया सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज वॉट लिटिल एंड फ्यू आर यूज इन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट यानी कोई चीज अगर ना के बराबर है नहीं है तो आप वहां लिटिल लगाते हो क्वांटिटी के लिए और फ्यू लगाते हो नंबर के लिए अगर वो चीज थोड़ी सी है तो आप वहां पे अ लिटिल लगाओगे क्वांटिटी के लिए और अफ यू लगाओगे नंबर के लिए और फिर आ जाती है बात द लिटिल की जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहां पे जवाब सही नहीं आया है सुचित्रा ने कोशिश करी है सपना ने कोशिश करी है और भी लोग कोशिश करेंगे क्या प्लीज वट इज द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस एंड हाउ विल यू करेक्ट इट एनी सो फार आई हैव गॉट एनी करेक्ट ऑप्शन हियर ड दिस द वर्ड बिफोर दिस फ्यू यानी यहां पर हमें द फ्यू का इस्तेमाल करना था ना कि फ्यू का इस्तेमाल करना था एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इस uh, मैं एग्जाम्पल के साथ बात कर लेता हूं आपके जैसे मान लीजिए आपके पास uh, ना के बराबर पैसा है जेब खाली है आपकी तो आप क्या कहोगे आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट यू डू नॉट हैव एनी मनी ना के बराबर ऑलमोस्ट नथिंग और मनी इज वॉट अगर मैं आपसे पूछू मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल मनी इज अनकाउंटेबल नाउन देखो जब भी मन में ये सवाल पैदा हो कि कोई नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है चुपचाप उसके पहले कोई नंबर लगा के देख लो अगर अंतरात्मा की आवाज आ रही है वैसे अंतरात्मा की आवाज कई बार अंग्रेजी में धोखा दे जाती है अंतरात्मा की आवाज आ रही है जी नंबर लगाना ठीक ठीक है तो आप उसको काउंटेबल बोल दीजिए तो क्या आप ये बोलते हो क्या आई हैव फाइव मनी आई हैव टेन मनी आई हैव सेवनटीन मनी नो आप ऐसा कभी भी नहीं बोलते तो मनी इज अनकाउंटेबल बट करेंसी इज काउंटेबल राइट यू कैन काउंट रूपीज डॉलर स्पैन राइट करेंसी को काउंट कर सकते हैं आप ये कह सकते हो आई हैव फिफ्टी रूपीज हंड्रेड रूपीज बट यू कांट से आई हैव फिफ्टी मनी मनी इज अनकाउंटेबल एंड इफ मनी इज अनकाउंटेबल आउट ऑफ लिटिल और फ्यू हम क्या यूज करने वाले वी हैव टू यूज लिटिल लिटिल बिकॉज़ अनकाउंटेबल मनी मतलब मेरे के पास ना के बराबर पैसा है. फिर आपने कहा आई हैव इसका क्या मतलब है मेरे पास थोड़ा पैसा है और फिर आपने कहा द लिटिल मनी आई हैड कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था वो चुरा लिया गया द लिटिल मनी आई हैड दिस इज नाउन क्लॉज एक्टिंग एज एन सब्जेक्ट और उसके लिए फिर ये आ गया हैज बीन जो कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था वो चुरा लिया गया तो ये मतलब होता है द लिटिल का जो कुछ थोड़ा ऐसे अगर आपको वर्नेकुलर हिंदी में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो कुछ थोड़ा तो यहां जो कुछ थोड़ा हो गया क्वांटिटी में और यहां जो कुछ हो गया नंबर के लिए सो so, मैंने मनी का एग्जाम्पल यहां पर ले लिया अब फ्यू के लिए कुछ काउंटेबल ले लो आप मान लो बुक्स ले लिया आपने सो so अगर आप ये कह रहे हो कि आई हैव फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश वोकैबलरी इसका क्या मतलब है कि आपके पास इंग्लिश वोबलरी के ऊपर ना के बराबर किताबें हैं फिर आपने कहा आई हैव बुक्स ऑन इंग्लिश वोकैबलरी सो हियर इट इज मेरे पास कुछ किताबें हैं और फिर वो कुछ कितनी है ये पता नहीं लगता तो आप क्या कह सकते हो आप कि फ्यू बुक्स आई हैड ऑन गिवन टू माई यंगर ब्रदर यानी जो कुछ थोड़ी किताबें थी मेरे पास वो कैब की वो सब मैंने अपने छोटे भाई को दे दी सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग फ्यू ऑफ यू द फ्यू एंड लिटिल अ लिटिल द लिटिल जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे यू हैव टू रीड द सेंटेंस यू हैव टू गेट द कॉन्टेक्स्ट ट्राई टू फिगर इट आउट दैट वट काइंड ऑफ कॉन्टेक्सट इज देयर वहां ना के बराबर बात हो रही है थोड़ी बात हो रही है अब जैसे यहां पे सेंटेंस पढ़ के साफ समझ आ रहा है कि जो कुछ नीचा दिखाने वाले कॉमेंट्स तुमने उस इंसान के लिए बोले उसने उसको बहुत डिस्टर्ब किया इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए इसके लिए अगेन फ्यू द फ्यू डेरोगेटरी कमेंट्स यू मेड ऑन हिम इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट यहां से लेके यहां तक दिस इज वॉट दिस इज एन सी इट इज नाउन क्लॉज इट इज नाउन क्लॉज बिकॉज इट इज एक्टिंग एज इन सब्जेक्ट राइट ये सब्जेक्ट है और उसके बाद ये देखिए उसके लिए वर्ब आ गया हैव हेल्पिंग वर्ब डिस्टर्ब मेन वर्ब हेम ऑब्जेक्ट तो एक छोटी सी बात ध्यान में रखें आप कि द लिटिल और फ्यू का जब भी इस्तेमाल आप करोगे तो बताना पड़ेगा ना कि जो कुछ चाहे थोड़ा जो कुछ थोड़ा नंबर में हो या जो कुछ थोड़ा क्वांटिटी में हो उसके साथ क्या हुआ तो जो कुछ मेरे पास किताबें थी तो मैंने क्या किया वो किसी को दे दी जो कुछ पैसा था वो क्या हो गया लुट गया so

Sentence aapko little or yeah, a little common sense is required in everybody. Little or a little common sense is required in everybody. What will you choose? Little or a little? Yes, tell me. If I give you this sentence, little or a little <laughs> common sense is required in everybody. Yes, what's your call?

आप गलत करेंगे सही करेंगे बात को समझने की कोशिश करो यहां पे कंपैरिजन कब होता है देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस यू नो एप्पल्स विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट ऑरेंजेस ओनली यानी दो सिमिलर चीजों के बीच में ही तो आप कंपैरिजन करेंगे ठीक है ऑरेंज की तुलना ऑरेंज के साथ होगी एप्पल की तुलना एप्पल के साथ होगी ऐसा नहीं कि एप्पल की तुलना ऑरेंज के साथ आप कर रहे हो तो Uh, तुलना हमेशा दो के बीच में होती है ये सर नो अब दो फ्रेंड हैं ए एंड बी तो उसमें आप ये कह सकते हो अब जैसे हमने मान लीजिए कोई फॉर दैट मैटर कोई सेंटेंस कोई नाम हमने ले लिया कि अमन अमन इज वाइजर देन, अमन इज वाइजर देन अमित राइट right. अब दिस इज सेंटेंस अमन इज वाइजर देन अमित सो यू डू नो वी हैव टू एंटिटीज द फर्स्ट वन इज अमन सेकेंड वन इज अमित और आप एक क्वालिटी के बीच में दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और आप यह बता रहे हैं कि अमन जो है वो ज्यादा बुद्धिमान है अमित के मुकाबले तो यहां पे तो दो एंटिटीज थी और जिनके बीच में कंपैरिजन है बट इफ यू लुक एट द गिवन सेंटेंस क्वेश्चन नंबर यू फाइंड ओवर हियर वी डू नॉट हैव टू एंटिटीज इन द सेंटेंस यहां दो लोग नहीं है यहां इंसान तो एक ही है भाई लेकिन उस एक इंसान की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन है अब आपके हमारे अंदर बड़ी सारी क्वालिटीज होती हैं अब हम किसी चीज में ज्यादा बेहतर हैं किसी में थोड़े कमतर होते हैं तो यानी दो लोगों के बीच में नहीं इंसान एक है उसकी दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिज़न है और बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है हमेशा दिमाग में रख लीजिए इसका इस कॉन्सेप्ट को कि वेन एवर यू कंपेयर बिटवीन टू क्वालिटीज नॉट बिटवीन टू एंटिटीज तो जिस क्वालिटी को आपको ऊपर रखना है उसके पॉजिटिव डिग्री से पहले आप मोर लगा देते हैं और दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री में ही होता है तो इस सेंटेंस में जो दिक्कत है वो है इस वाइजर को हटाने की यहां पे आप वाइज लगाओगे इन माय ओपिनियन ही इज मोर हैंडसम देन वाइज राइट मोर हैंडसम देन वाइज तो अब मान लो आपको अगर ये बताना था कि वो समझदार ज्यादा है और हैंडसम कम है चेंज कर लेते हैं अब मान लो शी की क्वालिटी हमें बतानी तो हम क्या कह सकते हैं कि शी इज मोर वाइज

एस टी ठीक है सबको पता है बताएसटी e -E लगा करके आप बनाते हैं और एक और कैटेगरी हमारे पास है जहां पे आप जैसे ये beautiful शब्द है तो beautiful is also adjective, right? अब आपको मान लो को B के मुकाबले ज़्यादा तो आप क्या लिखते हो आप वहां लिखते हो मोर ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और अगर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बताना है तो क्या लिखोगे मोस्ट ब्यूटीफुल हमारे पास ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलस जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता गेटिंग माई पॉइंट टाइम तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उनको लग रहा होता है अच्छा हाँ यहाँ मोर लगाना चाहिए हमें क्योंकि ब्यूटीफुलर तो ER वाला नहीं है लेकिन हम वाइज के पहले क्यों मोर लगाएं? तो आपने इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है कंपेरिजन बिटवीन टू क्वालिटी टू एंटिटीज जब दो एंटिटी में नहीं दो क्वालिटीज के बीच में कंपेरिजन हो तो जिस क्वालिटी को ऊपर रखना है जस्ट पुट मोर बिफोर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी आर एडजेटिव और उसके साथ दूसरा वाला भी पॉजिटिव डिग्री में ही रहता है क्लियर हो गई बात चलिए जी वेरी इंपॉर्टेंट वन नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी एक्स एंड मिल्क यू आर गोइंग टू ब्रिंग जी बड़ा बड़ा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन मेनी और मच में क्या डिफरेंस होता है भाई पहली बात तो बड़ी प्यारी बात यह है कि इन दोनों के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सेम होते हैं यानी मेनी मोर मोस्ट भी होता है और मच मोर मोस्ट भी होता है मेनी का इस्तेमाल आप किसके पहले करोगे मेनी का इस्तेमाल आप काउंटेबल से पहले करते हो यानी जिसकी गिनती की जा सकती है जो भी नाउन नॉनकाउंटेबल हो उसके पहले मेनी लग जाएगा और जो अनकाउंटेबल है यानी जिसकी गिनती नहीं हो सकती जिसकी आप परिमाण बताते हैं आप मात्रा की बात करते हैं वहां हम मच लगाते हैं जरा इस सेंटेंस में देखें एक्स को आप काउंट कर सकते हो दो चार पांच दर्जन जो भी है तो यहां पे हाउ मेनी लगाना बिल्कुल जस्टिफाइड है लेकिन मिल्क के लिए आपको अलग एडजेक्टिव चाहिए अगर आप नहीं लगाते मिल्क के पहले तो यह माना जाएगा कि आपने यहां पे भी मेनी लगाया हुआ है और मिल्क के पहले मेनी नहीं लग सकता लिक्विड है अनकाउंटेबल होगा तो यहां पे हम क्या बात करेंगे इधर हमें हाउ मच लगाना पड़ेगा तो मच टॉक्स अबाउट क्वान्टिटी मेनी टॉक्स अबाउट नंबर बट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बोथ आर सेम मेनी का भी कंपेरेटिव सुपरलेटिव मोर मोस्ट होता है और मच का भी ये बात यहां पे ध्यान रखनी थी आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी मोर देन चाइना इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स हांजी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी मोर देन चाइना इन द नेक्स्ट टेन इयर्स व्हाट डू यू से व्हाट इज द प्रॉब्लम यहां पे वही कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे बात कर रहे थे कि यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस यहां पे आप भारत के जनसंख्या की तुलना चाइना के साथ नहीं करोगे चाइना की जनसंख्या के साथ करोगे तो जनसंख्या वर्सेज जनसंख्या कितने लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं वेरी गुड सपना मोर देन के बाद आप लगा देते हैं दैट ऑफ लेकिन आज जरा इसका मतलब भी समझ लीजिए क्योंकि इन तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है कुछ मामलों में वो देन दो जाफ भी होता है और जरूरी नहीं है कि हर बार ऑफ हो वहां ऑन भी लग सकता है तो क्यों वो दैट ऑफ लगता है उसको जरा समझ लो आप हमने क्या बात करी कि भाई द पॉपुलेशन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की तुलना किससे करोगे आप लिख लेते हैं इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू को हम ग्रामेटिकली विल से रिप्लेस कर सकते हैं इस तीनों शब्द को विल बी मोर इज गोइंग टू बी मोर क्या The population of China, ठीक है बाकी जो कहानी है आगे वो लिखी हुई है अब आपको दिख रहा है कि नहीं अब कंपेरिजन बराबर लेवल पे आया, यानी भारत के जनसंख्या की तुलना द पॉपुलेशन ऑफ चाइना के साथ हो रही है अब बराबरी की बात आई है लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में दिक्कत कहां पे आती है इसको हम कहते हैं रिटेंडेंसी की दिक्कत कि आप जरूरत से ज्यादा एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब अगर आप देखें तो हमने क्या लगाया यहां पे कि के के बाद बाद क्या क्या लगा दो? के लगा दो दो दैट 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 ऑफ ये 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 काम कर 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 रहा 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 है 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 किसकी तरफ इशारा इशारा द पॉपुलेशन की तरफ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो पहले मैंशन हो चुके नाउन की तरफ इशारा कर रहा है हमने प्रोनाउन का इजाद इसीलिए किया कि नाउन के बार बार इस्तेमाल से हम बच सकें तो यहां पर ये दैट इज रेफरिंग टू वॉट द पॉपुलेशन एंड दैट इज वाई हम वहां पे क्या लगाते हैं वहां पे दैन के बाद विल बी मोर दैन दैन छूट गया यहां लिखने में दैन के बाद आप क्या लगा देते हो विल बी मोर दैन अब आप खुद ही देख लो दैन के बाद ये दैट लगा दिया और इधर ऑफ लगा है तो वही तो हो गया इधर दैन दैट ऑफ चाइना तो आपको ये समझ आ गया कि दिस दैट इज नथिंग बट वॉट इट्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम दैट इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर नाउन ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द हिंदू इज द मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट जो बार बार यूज होता है और इस कॉन्सेप्ट के साथ दो या तीन तरीकों से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं हिंदू इज द मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया अब देखो इन तरह के क्वेश्चन की खास बात है जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ते हैं आपको यह समझ में आता है कि द आइडिया इज सुपरलेटिव आप यही कहना चाहते हो कि हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर अखबार है आप ये कहना चाहते हो यानी आइडिया सुपरलेटिव है आपका बट सुपरलेटिव आइडिया इज बींग प्रेजेंटेड इन अ कंपेरिटिव स्ट्रक्चर बिकॉज हियर दैन इज यूज और जब दैन लग रहा है इसका मतलब देर इज अ कंपेरिजन सो आइडिया तो आपका सुपरलेटिव है बट सुपरलेटिव आइडिया को आप किसके थ्रू व्यक्त कर रहे हैं कंपैरेटिव स्ट्रक्चर के जरिए और जब कंपैरेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी और यहां पे बहुत प्यार से क्या लगा दिया गया मोस्ट और मोस्ट अभी आपने पढ़ा मच मोर मोस्ट मेनी मोर मोस्ट ये क्या है ये आपका है सुपरलेटिव जो कि गलत है सो इज मोर पॉपुलर देन यहां पर मोस्ट की जगह पे आप क्या लगाने वाले हो ज मोर पॉपुलर और इसके साथ द भी गायब हो जाएगा क्योंकि द मोस्ट क्ली आया था द हिंदू इज मोर पॉप्युलर एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया इसमें दो तरीकों से सवाल पूछे जाते हैं मैंने अगला क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि एक चीजों की क्लैरिटी आपको हो जाए अब अगला सेंटेंस देखो आप इंडिया टुडे इज मोर पॉपुलर देन अदर मैगजीन इन इंडिया दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए यहां पर क्या प्रॉब्लम है इंडिया टूडे इज मोर पॉपुलर देन अदर मैगजीन इन इंडिया व्हाट डू यू से अब यहां पॉपुलर से पहले मोर तो लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए भी स्टूडेंट रटके जाते हैं ये सब रूल्स कि जब भी ऐसा है यहां एनी अदर लगा दो वो कई बार ये बात नहीं समझते कि कोई चीज क्यों करी जा रही है और अगर ये क्यों का जवाब आपके पास नहीं है ना तो पेपर में सेंटेंस को थोड़ा सा ट्वीट करके आपको फसाया जा सकता है तो इस बात को समझो अगेन आप कहानी वही है आप कहना चाहते हो कि इंडिया टुडे जो है वो मोस्ट पॉपुलर मैगजीन है लेकिन उस बात को कहने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री मोर लगाया है आपने दैन लगाया हुआ है तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्यों हमें वहां एनी लगाना पड़ रहा है एनी अदर मैगजीन राइट उसका कारण ये है कि आपको इंडिया टुडे जो है इसको बाकी मैगजीन से अलग करना पड़ेगा मान लीजिए एक सर्कल है उसी एक सर्कल में इंडिया टुडे भी है और आउटलुक uh, भी है फॉर दैट मैटर ठीक है आउटलुक भी है बिजनेस लाइन भी बहुत सारे हम ऐसे ऐसे बहुत सारे मैगजीन का नाम ले सकते हैं ठीक है और अब वो एक ही सर्कल में है लेकिन आपको क्या बताना है कि आपको ये बताना है कि इंडिया टुडे सबसे ज्यादा पॉपुलर है यानी बाकी के एक तरफ है और इंडिया टुडे अलग है तो इंडिया टुडे को इस सर्कल से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको ये एनी अगर एनी मैगजीन वो कई बार ये काम करते हैं या तो एनी गायब कर देते हैं या अदर गायब कर देते हैं देन एनी मैगजीन लिख के चले आएंगे वो देन एनी मैगजीन तो वहां आपको अदर लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही आप एनी अदर करते हो एनी अदर करते ही ये इंडिया टुडे अब इस सर्कल से बाहर आ गया इंडिया टुडे बाहर आ गया ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी सर्कल और इसमें बाकी के जितने भी मैगजीन हैं ए बी सी डी वो एवर ये सब के सब इसमें आ जाएंगे तो अब हमारे पास जो है दो एंटिटीज़ हो गई और अब कंपैरिज़न पॉसिबल है तो क्योंकि हम कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं वी नीड टू एंटिटीज फॉर कंपैरिज़न एंड दैट इज वाई वी नीड टू यूज एनी अदर फ यू डोंट यूज दिस अदर थिंग और एनी अदर तो उसमें मतलब क्या निकल के आएगा कि वो एक ही सर्कल में और एक ही सर्कल में तो फिर सुपरलेटिव होता है जैसे पूरी क्लास में आप कहते हो कि यू नो दिस स्टूडेंट इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो वो तो पूरे में से फिर एक निकलेगा लेकिन कंपेरिजन के लिए हमें दो करना पड़ेगा तो आपको फिर क्या कहना पड़ेगा जैसे किसी का नाम ले लिया फॉर दैट मैटर प्रियंक तो प्रियंक का नाम ले लिया कि प्रियंक इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास अब ये एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं हम ये भी कह सकते हैं प्रियांक इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे क्या कहा कि प्रियांक इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास अब इसी बात को द सेम आइडिया कैन बी प्रेजेंटेड इन थ्रू अदर सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल लाइक प्रियांक इज इज़ प्रियांक बेटर दैन एनी अदर स्टूडेंट एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास सेम आइडिया और एक और स्ट्रक्चर बता दूं जैसे मैंने आपको कहा कि तीन तरीकों से इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रियांक इज प्रियांक इज बेटर देन प्रियांक इज बेटर देन ऑल अदर ऑल अदर स्टूडेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन आपको अब यह ध्यान में रखना है कि भाई जब भी आप एनी अदर का इस्तेमाल करते हो तो एनी अदर के साथ यू यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन लाइक हियर एनी अदर तो हमने स्टूडेंट का इस्तेमाल किया बट द मोमेंट यू यूज ऑल अदर इफ इन देंटेंस ऑल अदर इज गिवेन देन यू हैव टू गो विद्लूरल काउंटेबल नाउन एंड दैट इज वाई यहां ऑल अदर के साथ हम किसके साथ जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं तो पेपर में यही गेम वो खेलेंगे कई बार सेंटेंस के लेटर पार्ट में वो एरर दे देते हैं पार्ट में वहां वो लगाएंगे, को कर देंगे, लगाएंगे, बहुत प्यार से सुपरलेटिव का वर्ड दे, दे देते हैं जैसे आपने देखा बेस्ट जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था दिस वन अब यहां पे बड़े प्यार से मोस्ट दे दिया या वो कह सकते हैं दिस इज बेस्ट न्यूज़पेपर तो ये सब बहुत चालाकी से किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट प्रेशर में है पेपर लिखने के उसको सेंटेंस में ये फीलिंग आ रही कि ये तो सुपरलेटिव वाली फीलिंग है उसको लगता है सेंटेंस तो ठीक ही है बट ऐसा नहीं है तो ये घंजक्कर आपके लिए पैदा किए जाते हैं इसको ध्यान में रखें अब यहां पर आपको बात समझ आ गई आइडिया इज सेम यू जस्ट वॉन्ट टू कन्वे द फैक्ट कि प्रियांक क्लास का सबसे बेहतर स्टूडेंट है लेकिन इसी आइडिया को हमने इन तीन अलग अलग स्ट्रक्चर से यहां पे प्रस्तुत किया है और इसमें वो झोल करके आपको परेशान कर सकते हैं ठीक है तो इस बात का ध्यान अगर यहां पे बहुत चालाकी से लिख दिया जाए प्रियांक इज द बेस्ट तो आपको ध्यान रहना चाहिए यार दैन लगा है तो बेस्ट तो मैं लगा ही नहीं सकता चलिए जी हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट अचीव दिस रिजल्ट एंड ऑल ऑफ देम हैोर डेयरिंग यस अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्सट एंड टेल मी

तो v1 प्लस ing जो है यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ठीक है और वेरी यहां पे एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री ये डिग्री को बढ़ा रहा है कि उसने बहुत सारे सारी कोशिशें करी इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए और उसकी सारी कोशिशें जो है वो बहुत बहादुरी पूर्ण रही हैं बट लेकिन ये वाला जो उसका अटेम्प्ट है बट दिस अटेम्प्ट ऑफ हिज इज अब यहां पे अगेन आप देखो उसकी बहुत सारी में से अब बात आप एक की कर रहे हो यानी बहुतों में से जब एक आएगा तो वो फिर सुपरलेटिव है यहां दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन नहीं है तो इधर आपको सुपरलेटिव लगाना पड़ेगा इज द मोस्ट डियरिंग दैट वाज़ द करेक्शन रिक्वायर्ड एंड डेयरिंग इज अगेन एजेक्टिव आउट हियर गॉट इट समझ में आ गया वेरी गुड सुचित्रा एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे

तो प्लस का मतलब उसके बाद एनफ लगना है और एनफ अगर पहले लगा हुआ है तो उसके बाद नाउन आएगा जैसे कि हमने सबसे पहला वाला सेंटेंस ही किया था कि यू हैव एनफ 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 इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस सो इज इज नाउन एडजेक्टिव एंड इंटेलिजेंट ऐसे कोई भी पकड़ के आप कर सकते हो अब किसी इंसान की तारीफ करनी है आपको स्ट्रांग एनफ शी इज स्ट्रांग एनफ टू तो फेस एनी सिचुएशन बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल ही तो चेंज करनी है अब अगर मैं

यहां वर्बल शब्द जो है वो गलत है इसको किससे रिप्लेस करोगे आप इसको आप रिप्लेस करोगे ओरल से कई बार ये कंफ्यूजन होती है हमें लगता है कि रिटर्न जो वर्ड है ये हो गया लिखित और इस बात को समझने की कोशिश करें ये रिटर्न किस तरह का एडजेक्टिव है ये पास्ट पार्टिसिपल है वॉब की थर्ड फॉर्म है लेकिन उसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं दे आर कॉल्ड डिराइव्ड एडजेक्टिव बिकॉज वॉब की आई एनजी फॉर्म

ट एवर कन्फ्यूज विद ओरल एंड वर्बल आगे से ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होनी चाहिए जहां भी मौखिक का कॉन्टेक्स्ट आए वहां आप ओरल का इस्तेमाल करेंगे वर्बल का मतलब होता है शब्दों से संबंधित यहाँ पे ये वीई आर बी अपने आप में एक तरीके से रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है वर्ड अब मैं यहाँ से एक सवाल और पूछ लेता हूँ जो थोड़ा एडजिकटिव से अलग है वोकेबलरी का पार्ट हो गया वो जो इंसान जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करें लिखने या बोलने में उसे क्या कहते हैं What is one word for the person who uses more than required words? What is one word for that person? उसको हम कहते हैं verbose, verbose. वो व्यक्ति होता है जो जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करे right? Verbosity ये बन जाता है noun और verbosity का मतलब जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना ये error में आता है रिडेंडेंसी जिसे हम कहते हैं आइए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ तो यहां ओरल और वर्बल इंपॉर्टेंट ओरल वर्सेस वर्बल की जो एरर आपको ध्यान में है रखनी है उसके बारे में यहां पे बात हुई ओरल मौखिक है और वर्बल का मतलब रिलेटेड टू वर्ड्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन बट द लेटर इज द बेटर फॉर्मर बोथ बसंत एंड आर एफिशिएंट वर्कर्स बट द लेटर इज द बेटर फॉर्मर वट इज द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस बहुत प्यारा सा क्वेश्चन वेरी गुड नसीम सेंसेशनल स्केटर इज ऑल्सो करेक्ट विकास इज करेक्ट आशा इज करेक्ट वेरी गुड यहां पे ये शब्द आपको ध्यान में रखना है और इससे एडजेक्टिव में हमेशा एरर पूछा जाता है ये ध्यान में रखेंगे हम लेटर का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सेकेंड वन दूसरा वाला दूसरा वाला और लेटर का मतलब होता है बाद में तो अगर आप देखें तो इनका जन्म कहां से हो रहा है ये आपका लेटर जो है यह टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं बाद में और यह पोजीशनिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है दूसरा वाला इनके जोड़ीदारों से भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कई बार इस बात का ध्यान रखें जैसे यहां पे फॉर्मर शब्द आया है अगर मैं फॉर्मर का एनालॉगस वर्ड पूछूं फॉर्मर पोजिशनिंग के लिए है पहला वाला वैसे टाइम के लिए पहले के लिए क्या आता है अर्लियर तो ये ध्यान में आप रखेंगे कि अर्लियर हम यूज करते हैं टाइम के लिए और फॉर्मर यूज होता है पोजीशनिंग के लिए पहला वाला तो पहला वाला और दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा लेटर आ जाएगा तो यहां दो की बात हो रही है दो, दोनों बसंत और सुमित जो है वो एफिशिएंट वर्कर्स हैं लेकिन जो दूसरा वाला है वो पहले वाले से बेहतर है तो दूसरा वाला का मतलब सुमित जो है वो बसंत से बेहतर है दैट इज द सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो ये क्लैरिटी हमेशा रखें अर्लियर फॉर्मर ये जल्दी के लिए और ये पहले के लिए और दूसरे वाले पोजिशन के लिए लेटर द सेकेंड वन और लेटर का मतलब देर में और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है लेटेस्ट और इसका क्या हो जाता है लास्ट ये ध्यान में रखेंगे आप तो आखिरी वाले की जब आप बात करते हैं सो so लेट से दो निकल रहे होते हैं एक हो गया लेटर दूसरा वाला और आखिरी वाला हो गया लास्ट राइट right? और जब आप बात करते हो टाइम की तो यहां लेटर और ये होता है लेटेस्ट ये काफी कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए और इस पर जरूर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है कि भाई लेटर और लास्ट हम हमेशा पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरा वाला और आखिरी वाला और ये दोनों टाइम के लिए इस्तेमाल होता है जैसे आपको सेंटेंस मिल जाए कि दिस इज द लास्ट एडिशन लेटेस्ट एडिशन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप लास्ट एडिशन बोल रहे हो तो इसका मतलब कि नहीं छपने वाला तो ये जरूर में रखना है और कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव का जो फंडामेंटल है वो ध्यान में रखना है अगर बात दो के बीच की है तो आप हमेशा कंपेरेटिव के साथ जाओगे लेटर और लेटर जैसी जरूरत है और जब दो से ज्यादा है देन यू विल बी यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री आइए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Neither girls are going to participate in this dance competition. What is the problem and how will you correct it? Banking special batch के बारे में अभी मैं जानकारी last में दूंगा session के सर फराज। जल्दी आ जाएगा mock test भी सिखावत साहब। Okay रोहित। फ्रॉम बैंकिंग टेन देखिए नीदर की बात अगर हम करें तो कितने तरह के यूसेज में आप इसको देखते हैं नीदर वर्ड को बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है लोगों को देखिए अगर कहीं पे भी नीदर या ईदर का इस्तेमाल अकेले हो रहा अकेले का मतलब इनके साथ नौर और आर का इस्तेमाल नहीं हो रहा तब ये दो तरह के रोल में आपको दिखाई देते हैं ये या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं या ये प्रोनाउन भी हो जाते हैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का रोल ये निभा रहे होते हैं राइट right? और आप इनको कंजंक्शन तब कहते हो जब इनके साथ इनके जोड़ीदार मौजूद हो तो पहले तो ये क्लैरिटी हम कर लें, ग्रामेटिकल प्रोफाइल के हवाले से कि नीदर नॉर कोरिलेटिव कंजंक्शन है और ईदर आर कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये कंजंक्शन का काम करते हैं ये कंजंक्शन है लेकिन अगर हम इनके अकेले के तौर पे बात करें तो ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हैं क्या आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए दो सेंटेंस लिख सकते हो क्या क्या आप कमेंट सेक्शन में दो सेंटेंस लिख सकते हो जहां पे नीदर या इधर दोनों पे ये बात अप्लाई होती है तो मैं आपको पूरी छूट देता हूं या नीदर से लिख लो या इधर से लिख लो एक सेंटेंस में एडजेक्टिव होना चाहिए एक में प्रोनाउन होना चाहिए राइट डाउन द सेंटेंस इन द कॉमेंट सेक्शन राइट डाउन बिकॉज तब जाके आपको क्लैरिटी आ जाएगी सेंटेंस बना रहे हो देखो मैं ही बना देता हूं आपके इंतजार में नीदर ऑफ देम इज गुड एन ऑफ फॉर दिस पोस्ट ठीक है किसी ने बनाया सेंटेंस इधर रोहित आर राहुल कम्स टू दार्टी अरे इधर और आर नहीं खेलना है हमें यहां पे हर्षित मैंने वही तो कहा इधर आर कंजंक्शन का पार्ट है ये हटा दो ये ध्यान में रखो आप यहां पे आप यह इधर और देख रहे हो क्या यहां तो नीदर का इस्तेमाल हो रखा है तो इसीलिए हम ये बातें कर रहे हैं इनको क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि स्टूडेंट्स कई बार रट लेते हैं ये तो कंजंक्शन होता है भाई यहां ये कंजंक्शन नहीं है नीधर इधर अगर अकेले सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं तो या तो वो एडजेक्टिव होंगे या प्रोनाउन होंगे और हमें यह समझ होनी चाहिए कि हम उनको पहचान सके राइट right? कि वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है अब जैसे मैंने मान लो यहां पे एक सेंटेंस लिखा नीदर मैगजीन इज गुड एनफ एक पैटर्न लिखता हूं सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ द सेंटेंसेस एनफ फॉर गुड एनफ फॉर करंट अफेयर्स अब देखें आप बहुत सिंपल सा मामला है मैगजीन इज नाउन वॉट एवर कम्स बिफोर नाउन एंड क्वालिफाइज इज कॉल्ड एडजेक्टिव सो इन द सेंटेंस द वर्ड नीदर इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि आपके सामने दो मैगजीन रखी है और आप यह कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी करंट अफेयर्स के लिए उतनी अच्छी मैगजीन नहीं है आपको कोई और मैगजीन सब्सक्राइब करनी चाहिए तो एडजेक्टिव को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है सो वेन एवर नीदर और ईदर में से कोई भी अगर नाउन के पहले आ जाता है और उसको डेफिनेटली क्या करेगा अलग अलग करेगा इसको हम क्या कहते हैं दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्योंकि इनका काम डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक बात बहुत क्लियर है कि नीदर की बात कर रहे हैं हम या इधर की बात कर रहे हैं हम बात दो में से एक की कर रहे हैं उनको मतलब एक एक की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप तो यह बात तो बिल्कुल पक्की है अब जैसे यहां पे नीदर ऑफ देम लिखा हुआ है देम इज और इसमें दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन अगर नीदर ऑफ देम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या कि उन दोनों में से कोई भी इस पोस्ट के लिए उतना अच्छा नहीं है तो नीदर ऑफ देम यहा क्योंकि यहां पे ये एक प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बांट रहा है तो इस नीदर को आप क्या बोलोगे दिस विल बी कॉल्ड प्रोनाउन ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो इसको ध्यान में रखेंगे आप और यहां पे ये नाउन से पहले आ गया तो ये क्या है ये एडजेक्टिव है तो पहले तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए अब आपको कहीं भी मिले नीदर अस नीदर ऑफ देम तो अब आपको समझ में आ गया कि इस में भी दो ही लोग हैं हम दोनों में से कोई भी नहीं कर पाया राइट नीदर ऑफर्स कोट क्वालिफाई दिस एग्जाम अगर ये सेंटेंस लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि हम दोनों में से कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया राइट सो यू कैन आस्क ईदर ऑफ देम तुम उन दोनों में से किसी को भी पूछ सकते हो किसी भी एक को पूछ सकते हो यहां भी इधर ऑफ देम इधर क्या है प्रोनाउन है ठीक है वैसी सेंटेंस हो ईधर बैट इज गुड एनफ टू प्ले द शॉट यानी दो बैट्स रखी हुई हैं और कहा जा रहा है दोनों में से कोई भी उठा लो ईधर बैट इज गुड एनफ टू प्ले द शॉट अगेन बैट से पहले इधर आ गया दिस बिकम्स वॉट एडजेक्टिव सो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द डिफरेंस कि कब ये एड्जेक्टिव है और कभी प्रोनाउन है यस आर नो ये क्लियर हो गई बात बिकॉज पता है जब तक ये क्लैरिटी आपको नहीं होती ना तब तक आप कंफ्यूज होते हो फिर आपको रूल्स के अंदर रटना पड़ता है चीजों को अब आपको पता लग गया बहुत आसानी से कि भाई अगर नीदर मैगजीन है तो इसका मतलब दो में दो मैगजीन रखी उसमें से करो इनमें से कोई भी एक काम के लायक नहीं है अब जो एरर था यहां पे वो उस पर चलते हैं नीदर गर्ल्स आर लिखा हुआ है इसी में प्रॉब्लम है आप नीदर के साथ प्लूरल नहीं लगाओगे नीदर गर्ल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस डांस कॉम्पिटिशन इन दोनों लड़कियों में से कोई भी इस में करने नहीं जा रहा तो आपको ध्यान ये रखना है, यहां पर आप? नीदर या ईदर का इस्तेमाल जब भी आप एडजेक्टिव के तौर पर कर रहे हैं तो उसके बाद वाला जो आने वाला नाउन होगा वो किस फॉर्म में होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा और डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी होंगी इसी को तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है तो नीदर के बाद हमेशा सिंगुलर लगाओगे आप नाउन क्लियर टू एवरी वन नाउ कैन बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं if you take the exposure of the language you will have the most excellent command over the command over the language if you take the exposure of the language you will have the most excellent command over the language जैसे अंग्रेजी भाषा के लिए कहा जाता है कोई भी भाषा जितना आप एक्सपोजर लेते हैं सुनते पढ़ते और देखते हैं उतनी भाषा की समझ बढ़ती है बहुत ही कॉमन एरर है और एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जुड़ा हुआ है यहां पे क्या प्रॉब्लम है यू हैव द मोस्ट एक्सेलेंट कमांड वेरी गुड दिस इज द प्रॉब्लम एरिया ये यहां पे प्रॉब्लम वाला एरिया है देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं एडजेक्टिव के अंदर जिनके भाव ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री के हैं अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को मिले आपके नैना चार हो और आप ये कहें कि यू आर द मोस्ट परफेक्ट पर्सन आई the यू आर द मोस्ट परफेक्ट पर्सन आई across. भाई परफेक्ट का मतलब क्या होता है कहते हैं देर इज अर दैट परफेक्शन इज गॉड्स बिजनेस नो बडी इज परफेक्ट राइट परफेक्शन इज गॉड्स बिजनेस ऊपर वाला ही परफेक्ट है बस हम कोई परफेक्ट नहीं है अब आपने किसी की तारीफ में परफेक्ट कह दिया फिर भी आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं है आप कह रहे हो यू आर द मोस्ट परफेक्ट पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस राइट या किसी से आपकी मुलाकात हुई और आप कह रहे हैं यू आर द मोस्ट यूनिक पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ भाई आपने यूनिक शब्द का इस्तेमाल करा है वॉट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिक यूनिक मीन ऑफ इट्स काइंड जैसा कोई नहीं ये होता है यूनिक का मतलब तो जब आप यूनिक और परफेक्ट और एक्सेलेंट एंड सुप्रीम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने सेंस में ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री के हैं तो उनको मोर और मोस्ट के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं वो ऑलरेडी भाव व्यक्त कर रहे हैं कि वो हाईएस्ट डिग्री के हैं एंड दैट्स द एरर कि जब भी आप इस तरह के हाइएस्ट डिग्री के एडजेक्टिव के शब्द लगाएं, तो कभी भी उनके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल ना करें तो यहां से द मोस्ट दोनों गायब हो जाएंगे और एक्सेलेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल क्या लगना चाहिए एन लगना चाहिए और वो आप यहां पे लगाओगे दैट यू विल हैव एन एक्सेलेंट कमांड ओवर द लैंग्वेज देर इज नो नीड ऑफ पुटिंग द मोस्ट राइट तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा डोंट यूज अब अगर आप देखो मोर और मोस्ट क्या है एक तरह से ये एडवर्ब का ही तो काम कर रहे हैं यहां पर एक्सेलेंट ऑलरेडी एडजेक्टिव है ये डिग्री को बढ़ा रहे हैं। तो एक्सेलेंट ऑलरेडी हाइस्ट डिग्री का शब्द है डोंट यूज मोर और मोस्ट विद द एडजेक्टिव्स लाइक यहां पे आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमने बात करी एक्सेलेंट एक्सेलेंट परफेक्ट यूनिक सुप्रीम एटसेट्रा इन तरह के शब्दों के ऊपर ठीक है एक और कॉन्टेक्स्ट में ये बात अप्लीकेबल है वो अगली क्लास में हम देख लेंगे चले अगला सेंटेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मनीस वॉज लेस वरीड एंड एंक्शियस अबाउट द परफॉर्मेंस इन द मंथली टेस्ट सभी विद्यार्थियों में से मनीष जो था वो कम चिंतित था अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के मंथली टेस्ट में येस बिकॉज बिल्कुल मोस्ट एक्सलेंट सुपरफ्लस एक्सप्रेशन था रिडेंडेंसी का एरर था वो एक एक शब्द आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा आज. Of all the students, was less worried. अब देखिए अगेन हमने little और और की की बात पिछली क्लास में की थी और little का comparative क्या होता है लेस होता है और सुपरलेटिव होता है लीस्ट इसी तरीके से फ्यू का कंपेरेटिव होता है फ्यूअर एंड सुपरलेटिव होता है फ्यूएस और वो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है जब हम कह रहे हैं ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने इसकी बा, इसके बारे में बात करी थी कि आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब करते हैं जब बात दो से आगे निकल जाती दो के बीच में ए और बी के बीच में कंपैरिजन होता है कंपैरेटिव लगाते हैं यहाँ एक दो की बात नहीं हो रही दो के बीच की बात नहीं ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी में से एक की बात हो रही है इसका मतलब आप क्या लगाने वाले हो सुपरलेटिव डिग्री और वरीड यहाँ पे एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है अगेन इसको हम क्या कहते हैं दे आर कॉल्ड डिराइव एडजेक्टिव बिकॉज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे हो रहा है एडजेक्टिव के तौर पर हो रहा है कहा ध्यान में रखें बहुत सारे लोग बोलने में भी साफ नहीं बोलते अगर आप कंफ्यूज हो तो आप क्या बोलोगे आई एम कंफ्यूज ध्यान रखें यह बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम कंफ्यूज आई एम कंफ्यूज ये अगर सेंटेंस आप ऐसा बोलते हो या लिख दो कहीं तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है अंग्रेजी के किसी भी सिंटेक्स के स्ट्रक्चर के अनुसार ये जस्टिफाइड नहीं है अगर आपको ये कहना है कि मैं कन्फ्यूज हूं तो आप क्या बोलेंगे आई एम कन्फ्यूज और अगर मैं पूछूं यहाँ पे ये कंफ्यूज किस तरह का काम कर रहा है तो भाई ये एडजेक्टिव है ये इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये एडजेक्टिव है ठीक है लेकिन वहीं पर जब हम ये इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं लाइक ही इज अ कंफ्यूज मैन इज अ कंफ्यूज मैन तब तो आपको साफ साफ नजर आता है कि दिस कन्फ्यूज इज वॉट इट इज एडजेक्टिव पिछली क्लास में हमने बात करी थी जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो उसे हम क्या कहते हैं एट्रीब्यूटिव एड्जेक्टिव कहते हैं ये इस मैन का एट्रीब्यूट बता रहा है जबकि यहां पर यह कंफ्यूज किस क्या कहा जाएगा ये प्रेडिकेटिव एड्जेक्टिव है तो मैं ये इसीलिए आपको यह क्लैरिटी दे रहा हूं कि वरीड को लेकर आप परेशान न हो जाए कि एडजेक्टिव कहां से हो गया तो अगर आप मान लो चिंतित हो तो आप क्या कहोगे आई एम वरीड या शी इज वरीड सो हियर वरीड इज बीज एज एन एडजेक्टिव राइट और यहां पे क्योंकि सभी में से एक की बात हो रही है सुपरलेटिव लगाना पड़ेगा आपको इस लेस को आप हटाएंगे किससे लीस्ट से कि ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मनीष वॉज लीस्ट वरीड एंड एंस अबाउट द परफॉर्मेंस इन द मंथली टेस्ट एक सवाल है आपसे सवाल ये है कि इस लीस्ट वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताइए ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है ये बताओ मुझे एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है इसीलिए दोनों टॉपिक एक साथ ही मैं करा रहा हूं कि आपको ये डिफरेंसेस नजर आए सही जवाब की उम्मीद है बिल्कुल वेरी गुड स्नेहा हर्षित आकांक्षा सपना विकास एक्सेलेंट ये एडवर्ब है ये एडवर्ब है

एंड नाउ वी के नॉट डू एनी थिंग टू हेल्प फर सिचुएशन क्या प्रॉब्लम है यहां पर आई एम रियली हैप्पी आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन करेक्ट द कंडीशन ऑफ अर हेल्थ इज गेटिंग मोर एंड मोर वर्स एंड नाउ वी के नॉट डू एनी थिंग टू हेल्प फर सिचुएशन वॉट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर प्रॉब्लम इज दिस मोर एंड मोर ठीक है यही आपका प्रॉब्लम एरिया है अब आप जानते हैं कि वर्स कहां से पैदा हुआ है बैड वर्स एंड वर्स्ट राइट सो यहां पे ऑलरेडी वर्स कंपेरेटिव डिग्री है तो उसके पहले मोर एंड मोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ये सुपरफ्लस हो जाता है और आप ये जानते हैं कि आप कभी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बोल सकते यू कांट मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट लाइक ही इज मोर वाइजर than his brother you, you can't make this kind of statement yes or no he is more wiser than his brother because wiser is already comparative it's a comparative degree of adjective so there is no need of using more before this but suppose he is more honest

बट जिनके अवेलेबल हैं उनके साथ मोर लगाना बहुत बड़ी गलती है और ये कॉमन एरर है इसपे आपको हर बार क्वेश्चन मिलते हैं ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ शी इज द वेरी क्लोज गर्ल टू माय हार्ट एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लिव रेस्ट ऑफ माय लाइफ विदाउट हर क्या बात है किसी आशिक के दुखते दिल से निकलती आवाज है ये है शी इज अ वेरी क्लोज गर्ल टू माई हार्ट एंड आई इट वी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लिव रेस्ट ऑफ माई लाइफ विदाउट हर दिल के बहुत ही करीब है और उसके बिना मुझे नहीं पता ये जीवन में कैसे जीवंगा बहुत ही मुश्किल क्या बात है बताएं प्लीज क्या प्रॉब्लम है यहां पे हाउ विल यू करेक्ट दिस देखिए थोड़ा सा गेयर यहां पे चेंज हुआ है क्वेश्चन का Uh, इधर आपको क्या करना है इस वेरी क्लोज को उठा करके कहां लगाना पड़ेगा शी इज अ गर्ल वेरी क्लोज टू माई हार्ट यहां पे इसको आप प्रतिस्थापित करेंगे राइट सो द करेक्ट सेंटेंस इज वॉट शी इज अ गर्ल शी इज अ गर्ल वेरी क्लोज टू माई हार्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट राइट एंड इट वी वेरी डिफिकल्ट क्या लेसन सीख रहे हैं वॉट लेसन यू आर लर्निंग हेल्प ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इस क्वेश्चन की मदद से जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो ये है कि जब भी हम एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे यहां पे देखें आप ये वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज वॉट दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज आपने मेरे बैचेज में फाउंडेशन बैचेज में या बैंकिंग स्पेशल बैचेज में हम जब भी पढ़ते हैं आई स्टार्ट द बैच विद ग्रामर सेक्शन हमेशा मैं ग्रामर प्राइमर से शुरू करता हूँ फाउंडेशन से शुरू करता हूं और वहां हम शब्दों को समझते हैं अक्षरों से शुरुआत होती है शब्दों पे जाते हैं और शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं सो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव अ वर्ब एक ऐसा समूह जिसके पास अपना वर्ब नहीं होता शब्दों का समूह होता है और वो काम क्या कर रहा है उसके ऊपर उसका नाम पड़ जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है पांच शब्दों का समूह ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को डिस्क्राइब कर ला गर्ल नाउन है और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसी को तो तो एडजेक्टिव 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 कहते हैं और ये क्या है 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 क्योंकि पांच शब्दों का का समूह दिस विल बी कॉल्ड फ्रेज फ्रेज सो आप पूरा का पूरा फ्रेज जो है, वो उस पर्टिकुलर नाउन के बाद लगाएंगे यहां पे ध्यान तो तो रखें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आइए आगे बढ़ते हैं the weather is comparatively better in november so we all have decided to go for our holiday in this month only the weather in, is comparatively better in november so we all have decided to go for our holiday in this month only a very important concept i think most of you are aware about this hanji please kya dikkat hai pe वेरी गुड क्या नहीं होगा क्या होगा <laughs> देखिए यहां पर प्रॉब्लम यह है ये प्रॉब्लम एरिया है दिस इज द प्रॉब्लम एरिया आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी हम कंपेरेटिवली का इस्तेमाल करते हैं कंपरेटिवली और फॉर दैट मैटर रिलेटिवली अगर इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आप देख रहे हो सेंटेंस में तो इसके बाद जो हम एडजेक्टिव लगाने वाले हैं वो किस में होने चाहिए वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए अदरवाइज अगेन रिडेंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे क्योंकि अगर आपने कंपेरेटिवली और रिलेटिवली पहले ही लगा दिया है तो ये साफ जाहिर है कि देर इज अंपेरिजन आउट देयर सो अगेन देर इज नो नीड ऑफ पुटिंग द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव राइट तो जब आपने कंपेरेटिवली लगा ही दिया तो फिर आपको बेटर लगाने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है या तो कंपेरेटिवली हटा दीजिए और ये कह दीजिए द वेदर इज बेटर इन नवम्बर बट कम्परेटिवली गुड बिकॉज आपको थोड़ा सा किसी के साथ तो नहीं कर रहे आप यूज इसका राइट कोई और महीना वहां पे मेंशन नहीं है तो बेहतर है कि हम कंपेरेटिवली को रखें और बेटर को किससे रिप्लेस कर दें गुड से तो फिर ये अंडरस्टूड हो जाएगा ठीक है द वेदर इज कम्पेरेटिवली गुड इन नवंबर सो वी ऑल हैव डिसाइडेड टू गो फॉर आवर हॉलीडे इन दिस मंथ ओनली ठीक है तो ये दोनों बातें ध्यान रखिए यहां पे सिर्फ कंपेरेटिवली आया था कंपेरेटिवली और रिलेटिवली का इस्तेमाल अगर हो तो हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आगे बढ़ते हैं इट इज अ वर्थ रीडिंग बुक एंड आई रेकमेंड यू टू बाई इट इट इज अ वर्थ रीडिंग बुक एंड आई रेकमेंड यू टू बाई इट वॉट इज द प्रॉब्लम इन द सेंटेंस इट इज अ वर्थ रीडिंग बुक एंड आई रिकमेंड यू टू बाई इट ये बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है ये और कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वर्थ रीडिंग अगेन आप देखें तो ये क्या है एक तरीके का एडजेक्टिव फ्रेज है दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है यहां पे. तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर होगा इट इज अ बुक इट इज अ बुक वर्थ रीडिंग यानी जब भी ये वर्थ के बाद एक और आपको जिरण मिल जाएगा यहाँ पे मतलब प्लस एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है वहां पे पूरा का पूरा ये फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हमेशा वर्थ प्लस आई एनजी वाला जो पार्ट होगा वो आप हमेशा उस नाउन के बाद लगाएंगे जैसे अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा शी इज अ गर्ल वेरी क्लोज टू माई हार्ट सो इट इज अ बुक वर्थ रीडिंग इट इज अ वर्थ रीडिंग बुक नहीं ऐसे ही अगर मान लीजिए सेंटेंस uh, में थोड़ा चेंज कर दिया जाए और आ जाए इट इज अ मॉन्यूमेंट इट इज अ मॉन्यूमेंट तो इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा वर्थ सीइंग इट्स अ मूवी वर्थ वाचिंग तो ये ध्यान में रखो ये पेपर में आता रहता है आपके पास तो इसकी प्लेसमेंट हमेशा जो है ना उस पर्टिकुलर वर्ड के बाद होगी जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है तो ये बुक पढ़ने लायक है ये मोन्यूमेंट देखने लायक है ये फिल्म देखने लायक है आप यही कहना चाह रहे हैं तो उस नाउन के बाद आप ये वर्थ प्लस यूएन प्लस आई एन जी वाला जो पार्ट है जो एग्जेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है उसको आप पुट करेंगे ध्यान में रहेगा आपको याद रहेगा ध्यान में रहेगा आगे बढ़ें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रशिका इज वाइजर देन इंटेलिजेंट बट शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट आई थिंक इसकी चर्चा हमने लास्ट सेशन में की थी इसलिए पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसको सही बताएंगे कि वॉट इज द करेक्शन आउट हियर टेल मी पिछले सेशन में हमने बात करी थी कि वे देर इज अ अंपेरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज देन पुट मोर बिफोर द द पॉजिटिव डिग्री ऑफ क्वालिटी जिसको आप ऊपर रखना चाहते हो तो यहां दो इंडिविजुअल नहीं है ऐसा नहीं कि रशिका और रश्मिका के बीच में कंपेरिजन हो रहा है और आप ये कहें कि रशिका इज वाइजर देन रश्मिका फॉर दैट मैटर यू नो सो यहां पे दो एंटिटीज नहीं है लोग दो नहीं है इंसान तो एक ही है रशिका और रशिका की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन है तो पिछले सेशन में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा मौका आएगा आप यह करने वाले हो मोर मोर वाइज वाइज देन देन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बात पिछली बार हुई थी तो बिल्कुल मुझे लगा कि यार जो बताया पिछली बार आओ थोड़ा टेस्ट कर लें नए कॉन्सेप्ट तो सीख ही रहो एक पुराना भी टेस्ट हो जाए लेकिन आपने थोड़ा सा मायूस किया मुझे सही भी हो सकता है मैंने देखा नहीं अभी हाँ जी नजर आ गया अभी हितेंद्र पूछ रहे हैं सर यूपीपी का बैच दिला दो मेरे भाई हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता हम बस आपकी सेवा में पढ़ाते हैं बाकी सारी इतने सारे काम के लिए पूरी टीम है करियर वे लैब पे राइट और जो जो सिस्टम है जिस तरीके से जैसे हर एक बैच में आपको मौका मिलता है शुरू में आप आ, कम फीस में इनरोल हो सकते हैं तो उसका फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए वो हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई ठीक है भाई सो रशिका इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट बट शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट

बिल्कुल मंडे को क्योंकि क्लास हुई थी चैनल पे इसलिए क्लास नहीं हुई थी आपकी ये वाली वीरेंद्र जी यहाँ पे क्लासेज आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे इस तरीके से राइट जैसे अभी हम मॉडिफायर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं ये तीसरा हमारा लेक्चर है उसके ऊपर उसके बाद हाँ जी अजीत ये क्लास रेगुलर हो रही है डिटेल्स आपके पास हैं वन थ्री फाइव जो है वो इंग्लिश की क्लासेस हैं मैथ की क्लासेस रोज मॉर्निंग में होती है दस बजे ऐसी रीजनिंग का भी शेड्यूल है आपके पास हाँ जी एरर बता रहे हैं आप <laughs> क्या दिक्कत है सेंटेंस में या ठीक ठीक लग रहा है हम बड़े अहिंसक लोग हमें देखते ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगते हैं देखिए यहां पे प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर वर्ड में है हार्डली और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है देखो एक तो हमें बड़ी कंफ्यूजन ये है कि हर बार एलवाई लगा के एडवर्ड बन जाता है तो हमने इसके बारे में पहले भी सेशन में बात करी थी पिछले दो सेशन के अंदर भी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि आप अगर लिख रहे हैं ही रन फास्ट या फास्टली अगर आपको दिया जाए ऑप्शन में तो आप फास्ट के साथ जाओगे यहां फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है वहीं पर अगर आप ये कहते हो फास्ट बोलर ही इज अ फास्ट बोलर सो अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पे ये यह फास्ट जो है वो एडजेक्टिव हो गया ये एडजेक्टिव है लेकिन ये जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है उसी तरीके से हार्ड hard और हार्डली भी लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है सेंटेंस पढ़ के साफ समझ आ रहा है कि वी आर कॉन्फिडेंट एनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाय ट्वाइलिंग हार्ड यानी हम सब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपनी जो लाइवलीहुड है उसको अर्न कर सकते हैं मेहनत करके हार्डली का जो सेंस होता है वो होता है नेगेटिव इसका मतलब होता है ना के बराबर आप इसको रिप्लेस करोगे हार्ड के साथ ठीक है ना तो ये क्लैरिटी बिल्कुल रखें कि जब भी मेहनत से का सेंस आप कहना चाहते हो जैसे सेंटेंस है He works hard, इसका क्या सेंस हुआ कि वो मेहनत से काम करता है अगर आपने कह दिया ही वर्क हार्डली तो उसका मतलब कि वो ना के बराबर काम करता है और हार्डली की कैटेगरी के, के और कौन कौन से एडवर्ब हैं हमारे पास जिनका सेंस नेगेटिव होता है तो आप ध्यान में रखें हार्डली स्र्सली रेयरली और बेयरली ये चारों जो शब्द हैं आपके ये कई बार इस्तेमाल होते हैं और ये इन सभी का सेंस जो है वो नेगेटिव है ना के बराबर के सेंस में ये यूज होते हैं ठीक है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो दैट वाज द एरर ओवर हियर मेहनत से के लिए हार्ड और ना के बराबर के लिए हार्डली तो यहां ना के बराबर का कोई सेंस नहीं है ठीक है चलिए अच्छा कुछ लोग एन के प्लेसमेंट को लेकर के परेशान थे वीरेंद्र जी ने नहीं वो यहां पे बिल्कुल सही है एन वाला अभी कॉन्सेप्ट आगे देखने को मिलेगा क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे एनएफ की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये जवाब देंगे कि सर इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री की है कैसे पता लगा क्योंकि कॉन्फिडेंट जो शब्द है ये एडजेक्टिव है ठीक है तो जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं और यहां पे ये उसकी डिग्री बता रहा है तो वी आर कॉन्फिडेंट एनफ एन यहां पे एडवर्ब है इसकी चर्चा पहले हो चुकी है नेक्स्ट वन इज सी टू मच ब्यूटीफुल सो मोस्ट ऑफ द बॉयज रन आफ्टर हर एंड वांट टू इन्फ्लुएंस हर क्या लग रहा है टू मच ब्यूटिफुल सही है यहां पे क्या दिक्कत है या सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट Associated with this question, I am still waiting for your answer. समझ लीजिए हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिए बार बार पेपर में आता है ये देखो मच टू के बाद आप लगाते हो एड्जेक्टिव और टू मच के बाद आता है नाउन अब ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा के लिए तुरंत नजर आना चाहिए था यह ये कॉन्सेप्ट ये देखो आप ये ध्यान में रखना है ये कॉन्सेप्ट आप यहां पे इस क्वेश्चन के साथ सीख रहे हैं अब ब्यूटीफुल आपको पता है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हमें क्या चाहिए मच टू चाहिए यहां पे टू मच लिखा है तो डेफिनेटली पेपर में ऐसे ही एरर क्रिएट किया जाता है जो लगना चाहिए वो नहीं लगाते और जो नहीं लगना चाहिए वो लगा के दे देते हैं तो इस टू मच को आप रिप्लेस करेंगे किससे मच टू से much और तब जाकर के करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो मैं यहां पे कुछ शब्द लिखता हूं और आप मुझे बताएंगे उसके पहले आप क्या लगाने वाले हो पहला शब्द आपको मैं देता हूं सिंसियर सिंसियर से पहले आप क्या लगाओगे टू मच लगाओगे या मच टू लगाने वाले हो साथ के साथ लिखते चले जाना राइट right? अगला शब्द है विजडम दो ही देता हूं बस आप मुझे बताइए इनके पहले आप क्या लगाने वाले हैं कमेंट सेक्शन में रूबा इसको दिमाग में किसी भी एक एग्जाम्पल के साथ जो है ना बिठा लो तो आपको फिर कभी नहीं भूलेगा क्योंकि एग्जाम में भी इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस बार बार होते हैं तो इस चीज को बिल्कुल पक्के तौर पर बिठा लेना है हमें मच टू ब्यूटिफुल अपने दिमाग में बिठा लो एक बार फिर आपको कभी नहीं भूलेगा और पता है एक ही बिठाना है ऐसा भी नहीं कि दूसरा भी बिठाना है आपको एक ही बिठा लो मच टू ब्यूटीफुल आपको हमेशा ध्यान में रहेगा ठीक है आगे बढ़ सकते हैं आनंद सैटरडे को बुक के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी चलिए जी आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल लिख दिया आपने भाई सिंसियर शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है हम जो किसी को कहते हैं कि बहुत ही सिंसियर आदमी है सिंसियर पर्सनैलिटी तो उसका क्या मतलब है दिस इज एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए आपको तो यहां आप लगाने वाले हो मच टू राइट और यहां पे विजडम शब्द क्या है नाउन है ये वाइज एडजेक्टिव होता है विजडम नाउन हो गया तो टू मच विजडम सिंपल सी गणित है इसको ध्यान में रखना है अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं Sushil was enough kind to inform us about the conspiracy but declined to name the person behind it RC batch laiye sir okay वेरी गुड आसान सा क्वेश्चन है अभी हमारे वीरेंद्र भाई यहां पे कंफ्यूज हुए थे तो ये ध्यान में रखिए आप ये बार बार एग्जाम में आता है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा के मैंने दिए हैं आपको काइंड दिस इज काइंड एनफ एंड एनफ काइंडनेस इस बात का भी ध्यान रखना है बिल्कुल फॉर्मुल मैनर में क्या ध्यान में रखना है भाई कि एनफ के साथ एनफ के बाद आप लगाओगे यहां पर नाउन

तो इस बात को बिल्कुल पक्के तौर पे दिमाग में बैठा लीजिए और देखो जब भी कोई चीज इस तरह से कंफ्यूजन पैदा करे हम एग्जाम में उल्टा करके चले आते हैं जहां ना होने वहां एडजेक्टिव करके चले आएंगे तो भाई एक एक एग्जाम्पल जिसको हम फ्रेजेस बोलते हैं कोई फ्रेज दिमाग में रख लो आप राइट अब जैसे मान लीजिए मैं पूछूं पेनफुल के पहले क्या लगाओगे मच टू लगाओगे या टू मच लगाओगे तो आपको पता है कि भाई पेनफुल एक्सपीरियंस पेनफुल एडजेक्टिव है तो उसके पहले क्या लग जाएगा अभी पिछला कॉन्सेप्ट राइट मच टू पेनफुल योर फेलियर इज मच टू पेनफुल योर फेलियर गिवस मी टू मच पेन तो पेनफुल एडजेक्टिव है और पेन नाउन है दर्द तो टू मच पेन अब ऐसे भी याद रख सकते हो टू मच पेन तो उससे ये याद रहेगा कि इसका रिवर्स जो है वो मच टू के साथ जाएगा मच टू पेनफुल सो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं जहां इस तरह की कंफ्यूजन के चांसेस हो वैसे ये भी बहुत बेसिक है कॉन्फिडेंट इनफ इंटेलिजेंट इनफ काइंड एनफ स्मार्ट एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा एडवर्ब के तौर पे और नाउन के पहले आएगा तो जाहिर तौर पे वो एडजेक्टिव है आइए अगला सेंटेंस आपके सामने अनलेस वी वर्क केयरफुल वी मे ओवरलुक समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट बहुत बहुत आशीर्वाद पवन ओके अमन सही सही चूज कर लेना और बता दो एबीसीडी नहीं कहां प्रॉब्लम है मैं एबीसीडी करके भी आपको सेंटेंस दे सकता हूं वैसे भी सेंटेंस दे सकता हूं तो हमें यह बताना है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहां पे है है किस शब्द में वेरी गुड केयरफुली हां जी यह एडजेक्टिव है हमें यहां एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है एडवर्ब करता है और इसलिए इसको हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं केयरफुली से तो वही वाली सिंपल सी बात की बहुत बार इस तरह का कंफ्यूजन होता है बोलने में हम बोल जाते हैं बट आपको सेंटेंस में देखना होगा कि हमें जरूरत किसकी है क्योंकि मॉडिफायर तो यही दोनों है सारे पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करने की उनकी तारीफ करने की उनके बारे में बातें करने का काम यही दो करते हैं एडजेक्टिव एडवो और एडजेक्टिव का काम नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना उसको छोड़ के यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको डिस्क्राइब कौन कर रहा होता है वो कर रहा होता है एडवो ठीक है

अगला है ही इज टू फुलिस दैट ही विल नॉट एक्ट प्रॉपरली ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताइए क्या दिक्कत है यहां पे लेट मी सी कितने लोग वेरी गुड सबसे पहले जवाब हर्षित का आया है और आई अप्रिशिएट दैट बाकी और लोग भी आंसर दें क्या दिक्कत है इसमें देखो बहुत प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट है आ, अगर मैं आपको पूछू टू की ग्रामेटिकल प्रोफाइल तो आपको पता है फुलिश एडजेक्टिव है तो यहां पे हम टू का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे कर रहे हैं और एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे होता है टू आप जानते हो जैसे अगर आप मान लीजिए चाय पी रहे हो और चाय बहुत गर्म है तो आप क्या बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो ना कि टी इज टू हॉट तो ये तो ज्ञान है आपको कि टी इज टू हॉट अगर हमने कहा तो इसका मतलब चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है वहीं पर अगर आपने ये कहा कि टी इज फेयरली हॉट टी इज फेयरली हॉट देखिए कितना फर्क पड़ जाता है तो इन दोनों हालात में ये जो हमारे पास वर्ड हैं ये किसका काम कर रहे हैं ये ऑफ डिग्री का काम कर रहे होते हैं ये बता रहे हैं कि कितना गर्म है तो जब हम टू लगा रहे हैं तो डेफिनेटली ये अनफेवरेबल है ये अनफेवरेबल है राइट right? और फेयरली uh, जो है ये favorable है। तो फेवरेबल अनफेवरेबल का क्या मतलब है कि भाई चाय इतनी गर्म है कि आप पी सकते हो फेयरली हॉट में लेकिन आपने टू हॉट बोला तो जरूरत से ज्यादा गर्म है ये सेंस निकल के आता है बट यहां बात कुछ और हो रही है यहां बात हो रही है सो so दैट वाले कॉन्सेप्ट की सोफुलिस दैट ही विल नॉट एक्ट प्रॉपरली तो इस टू को हमें रिप्लेस करना है किससे सो से करना है ठीक है और कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि भाई सो के साथ जोड़ी किसकी बन रही होती है दैट की और ये टू और टू की जोड़ी बन रही होती है और कई बार ये एग्जाम में जो है इन दोनों को मिक्स कर देते हैं पेयरिंग के तौर पे जैसे अगर आपको सेंटेंस इस तरीके का दिया जाए कि ही इज सो ही सो टायर्ड That he can't stand for a minute. He is so tired that he can't stand for a minute. अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि वो इतना थका हुआ है कि एक मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता अब अगर यहां सो की जगह टू लगा दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा लेकिन अगर टू के साथ इसी बात को हमें कहना है तो हम कैसे कह सकते हैं ही इज टू टायर्ड टू स्टैंड फॉर अट ही टू टायर्ड टू स्टैंड फॉर अ मिनट तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिए कि टू के साथ फिर यह इन्फिनेटिव वाला स्ट्रक्चर आ जाता है और जब आप सो so और दैट का इस्तेमाल करते हैं तो दैट के बाद पूरा का पूरा आप क्लॉज लिखते हो तो इस बात का ध्यान रखिए यहां पर टू प्लस इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर आ जाता है जैसे यहाँ टू स्टैंड दिख रहा है आपको और यहाँ पे दैट के बाद एक पूरा का पूरा क्लॉज लिखा जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ध्यान रखेंगे आप आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ The real important thing of our life is our livelihood, which discriminates us from animals. error

तो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया और रियली really जो है वहां पे वो उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा दैट वुड बी एडवर्ब इज इट क्लियर जी रियली ओके एक एल छूट गया लिखने में ठीक है क्लियर रियली एडवर्ब है अच्छा मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं द रियली इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ ये किस तरह का फ्रेज है ये नाउन फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्बियल फ्रेज है क्या आंसर होगा आपका वॉट काइंड ऑफ फ्रेज इज इज दिस एंड दैट वी स्टार्ट द ग्रामर सेक्शन इन एनी ऑफ माई बैचेज वी स्टार्ट विद ग्रामर प्राइमर तो भाई ये नाउन फ्रेज है पहचानना कोई मुश्किल नहीं है भाई अगर वोब से पहले लिखा है तो वोअब का सब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है तो नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा एक वर्ड तो है नहीं कि हम नाउन कहें शब्दों का समूह है और इस समूह के पास अपना कोई वर्ब है नहीं तो ये नाउन फ्रेज हो गया इट्स नॉट अ नाउन क्लॉज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन की वास्तविक तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है वो है के बाद लिखा गया है आवर लाइवलीहुड जो कि हमें जानवरों से अलग करता है ये इसका सेंस हो गया अगर मैं आपसे पूछूं विच डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स ये किस तरह का क्लॉज है ये किस तरह का क्लॉज है बिकॉज यहां पे वर्ब आया हुआ है प्रॉपर तो भाई ये लाइवलीहुड को डिस्क्राइब कर रहा है तो दिस इज वॉट ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया अब देखिए अगले जो सेशन होने वाले हैं हमारे मॉडिफायर्स के उसमें मैं टॉपिक नेक्स्ट वाले सेशन में लूंगा आपको बड़ा परेशान करता है वो रूल ऑफ इन्वर्जन का टॉपिक राइट right? वो बड़े अजीब से सेंटेंसेस हमें लगते हैं और जितने तरह के रूल ऑफ इन्वर्जन के केसेस हैं वो सब हम अगली क्लास में कवर करेंगे तो फ्राइडे वाले सेशन को बिल्कुल मिस ना करें और एक सेशन और लूंगा मैं जो आपके मिसप्लेस्ड मॉडिफायर के ऊपर होगा तो ये थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन पहुंच जाते हैं आ, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को पता होते हैं बट उनमें कई बार दिक्कतें हमें आती हैं तो आ, जो अगला सेशन होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उसका ध्यान रखें एक ही सेशन में भी कवर कर सकते हैं डिपेंड्स कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं तो अगर आप चाहेंगे तो मैं दो सेशन में कैटेगराइज कर दूंगा रूल ऑफ इन्वर्जन बहुत परेशान करता है टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू एट द एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच क्या बात है नहीं, जबान अटक गई होगी बोलने में ही फ्लुएंटली <laughs> फ्रेंच क्या दिक्कत है देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है जैसे आ, सेंटेंस मैंने यहां लिखा ही स्पीक्स फ्लूएंटली अब अगर आपसे पूछूं कि जरा ब्रेकअप बताओ इस सेंटेंस का तो आप बता लोगे कि सर ही सब्जेक्ट है स्पीक्स वर्ब है और फ्लुएंटली सर एडवर्ब ऑफ मैनर है जी कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां पे वो क्या बोलता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ठीक है ना क्या बोलता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अब इसी जो दिया हुआ सेंटेंस है इसी को छोटे फॉर्म में देख लो तो अगर आपके पास दो च्वाइस दे दी जाए कि ही स्पीक्स Fluently फ्रेंच जैसे यहां पर लिखा है ही स्पीक्स फ्लुएंटली फ्रेंच और जो दूसरा स्ट्रक्चर है ही स्पीक्स ही स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली और मैं आपको ये दो चॉइसेस दे दूं कि मुझे आप ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा हाँ जी वेरी गुड यहां पे सेंटेंस करेक्ट है हमारा दूसरा वाला तो फंडा बहुत ही क्लियर है और इस पर क्वेश्चन जरूर मिलते हैं कि भाई अगर हमारे पास वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे यहां पे व्हाट डज ही स्पीक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे हालात में आप वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है राइट सो इफ द वर्ब इज इन ट्रांसिटिव एंड देर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल ऑफ द वर्ब देन यू कैन पुट एडवर्ब ऑफ मैनर जस्ट आफ्टर द वर्ब बट If the object of the verb is present, then you need to put the object first, and then you need to put adverb of manner. Got it? So here the French is object of the verb speaks. तो अगर object नहीं है, तब तो adverb of manner पहले आएगा. लेकिन यहाँ पे अब आप, आप देखें तो verb है और ये इसका object है. क्या बोलता है? तो object पहले आएगा और after that एडवोब ऑफ मैनर तो यह एडव मैनर से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कई बार वो बड़े बड़े फ्रेजेस भी दे देते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर तो इसलिए लंबे सेंटेंसेज में भी आप ध्यान रखें कि अगर ऑब्जेक्ट है वर्ब का तो वो पहले आएगा और एडवर्व ऑफ मैनर आप बाद में लगाओगे क्लियर हो गई बात वेरी गुड मैंडोलिन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज स्ट्रिंग्स वॉज प्रॉबेबली कॉपीड फ्रॉम द फ्लूट अ मेनी ओल्डर इंस्ट्रूमेंट आई थिंक पढ़ते ही आपकी जबान फंस रही होगी कहां पे किस पार्ट में दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है गौरव Transitive और इन ट्रांजिटिव दोनों तरीकों से हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो दोनों तरीकों से इस्तेमाल होते हैं तो स्पीक जो है वो ट्रांजिटिव एंड ट्रांसिटिव दोनों तरीकों से आप यूज कर सकते हो वेरी गुड यहां पे मेनी की जगह पे आप लगाने वाले हैं मच ठीक है ना मच ओल्डर और हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे मच है क्या तो मच एड है और हमने इसकी चर्चा की थी कि भाई ये ध्यान में रखें आप मेनी नंबर के लिए लगता है यानी के साथ और मच मोर मोस्ट भी होता है लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये तीनों फॉर्म्स हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकते हैं और ज्यादातर केसेस में आपको एडवर्ब एडवोब केस में दिखाई देगा खासतौर से उन एडजेक्टिव में जिनमें ई ER आर और ई वाला फॉर्म नहीं होता कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव में तो जैसे आप ए को बी से ज्यादा ब्यूटीफुल बताना चाहते हो तो आप कैसे बताओगे ए इज मोर ब्यूटीफुल देन बी ए इज मोर ब्यूटीफुल देन बी सो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो मोर है क्या वहां पे मोर क्या है मोर कंपेरेटिव एडवर्ब है वहां हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव नहीं बोल सकते ठीक है ना तो इस बात का ध्यान आपने जरूर रखना है कि वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं सो ओल्डर इज ऑलरेडी एडजेक्टिव हेयर अगेन मच इज वॉट दैट इज एडव एडवोबऑफ डिग्री मच ओल्डर इंस्ट्रूमेंट और यहां पर कई बार कंफ्यूजन होती है मच और वेरी के बीच में कोई जानकारी देगा मच और वेरी में कैसे कर, आप डिफ्रेंसिएट uh, करोगे मच और वेरी में कैसे डिफरेंसिएट करोगे क्या फर्क होता है दोनों में मच और वेरी में क्योंकि इन दोनों का मतलब बहुत होता है और कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होती है और भी रिमूव होगा नहीं अ मच ओल्डर इंस्ट्रूमेंट अ मैंडोलिन अ मच ओल्डर इंस्ट्रूमेंट वो पूरे पूरे फ्रेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो नाउन फ्रेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है ठीक है गौरव बात ध्यान में आ गई जैसे आप कहते हैं ना इस तरीके से मैं कहूं गौरव इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो आप ये तो नहीं कहोगे कि नहीं इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो वही वाली बात यहां पे भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है चले नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे मच और वेरी का डिफरेंस बहुत परेशान करता है ये मुझे लग रहा था कि कोई ज्ञान देगा इसके बारे में बट अभी तक नहीं आया सो वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल्स बिकॉज इसमें कुछ एक्सेप्शन के केसेस भी आते हैं uh, सबसे जो आसान सी बात है जो आप ध्यान में रख सकते हो और मुझे लगता है कि याद रहेगा आपको बाकी एक्सेप्शन छोड़ दो आप देखिए आप क्या बोलते हो मच बेटर मच बेटर एंड वेरी गुड इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो आज के बाद ये ध्यान में रखिएगा क्या ध्यान में रखना है कि वेरी के बाद जो है आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एड्जेक्टिव लगा रहे होते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा रहे होते हैं जबकि मच के बाद बेटर क्या है बेटर गुड का कंपैरेटिव है यानी मच के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन हमें मिलते हैं ठीक है इवन सो वाले में भी कंफ्यूजन होती थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच तो स्पो जो आपका स्पोकन इंग्लिश है ना उसमें बहुत सारा लीवे होता है हमें हम यूज कर सकते हैं कई बार आप बड़े जज्बाती होते हो आप ये भी कह सकते हो थैंक यू सो वेरी मच यू नो बट एज फार एज प्योरिटेनिकल रिटर्न इंग्लिश इज कंसर्न तो उसमें इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर दैट वाला क्लॉज है तो तो सो आप लगाओ लाइक थैंक यू सो मच दैट यू डिड दिस फेवर टू मी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह मदद की अगर वो दैट वाला क्लॉज नहीं है तो बेहतर है कि आप अपने आप को थैंक यू वेरी मच तक लिमिटेड रखें और वो स्ट्रक्चर ज्यादा अप्रोप्रिएट है

मॉडिफायर्स के ऊपर और आज का जो टॉपिक है हमारा वो दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहां पे कवर करने वाले हैं कौन कौन से सबसे पहला तो है आपका रूल ऑफ इन्वर्जन रूल ऑफ इन्वर्जन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको और इवन अगर आप रूल ऑफ इन्वर्जन के एप्लीकेशन न्यूज में भी देखो तो वहां पर भी बहुत सारा मिलता है बिकॉज Uh, कई बार स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आते कि इस तरीके से सेंटेंस को क्यों स्ट्रक्चर किया हुआ है सो so, इस चीज को समझने समझेंगे आज हम कि किन-किन केसेस -किन में रूल ऑफ अप्लाई होता है क्वेश्चंस के जरिए और जो दूसरा हमारा एरिया है वो है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का एरिया है यानी भैया एडवर्ब में सबसे बड़ी समस्या यही है लगना कहीं और चाहिए और लगा के कहीं और देते हैं वो तो कहां पर लगना चाहिए कहा लगा के देते हैं उसको कैसे पहचाने मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कितने तरीकों से पूछा जा सकता है uh, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे ही देता हूं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि वो एडवर्ब लगना कहीं और चाहिए और लगा के कहीं और देते हैं यानी उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ है अब इसमें आपको वर्ड भी मिल सकता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर में यहां पे आपको फ्रेज भी मिल सकता है और क्लॉज भी मिल सकता है तो जो क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में दिए हैं वो तीनों तरह के हैं इसी तरीके से रूल ऑफ इन्वर्जन के जो जो केसेस हैं हमारे जिस स्ट्रक्चर के साथ हमें रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करना होता है क्या होता है रूल ऑफ इन्वर्जन उन चीजों को हम एग्जामिन करेंगे सो so, आइए एक डिडक्टिव अप्रोच के साथ हम क्लास को आगे ले चल रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर हाजिर है बताएं आप मुझे क्या दिक्कत है यहां पर कैसे करेक्ट करेंगे सेलरम वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस वॉट डू यू थिंक इसको कैसे करेक्ट करेंगे आप सेल्डम वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस एनी वन सेंटेंस सही लग रहा है गलत लग रहा है क्या लग रहा है देखिए सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम से हो रही है और इसलिए यहां पे हम रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करने वाले हैं रूल ऑफ इन्वर्जन से क्या आशय है क्या मतलब है अगर आप ये वैसे मुझे लगता है कि जरूर सुना होगा आपने पहले लेकिन अगर पहली बार सुन रहे हो तो इसका मतलब क्या है देखिए एक जनरल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा ये सबसे बेसिक सिंटैक्स है इंग्लिश के एक सेंटेंस का उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए एडवर्ब लगाइए वो सारी कहानी है बट यहां पे क्या हमारा मामला कि सबसे पहले आपका आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और जाहिर तौर पे अगर यहां पे भी आप बात करो इस तरीके से तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इस तरह से हम लिख सकते हैं बट यहां पे इन्वर्ट हो गया पूरा मामला इन्वर्जन हो रहा है यहां पे यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन अब अगर आप यहां पर देखो सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम से हो रही है और अगर सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो उसके बाद इधर आप देख रहे हैं तो एक असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसे नॉर्मल आप एक सेंटेंस लिखते हैं पहले आ रहा है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आ रहा है और यहां पे यही एरर है आपको इसको हटाना होगा राइट और कैसे करेक्ट करेंगे do डू वी ये करेक्शन है यानी We के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आ गया वो पहले आएगा और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे इसी को हम रूल ऑफ इनवर्जन कहते हैं तो सेल्डम डू बी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस अब देखिए रूल ऑफ इनवर्जन का इस्तेमाल एक्चुअली एम्फेसाइज करने के सेंस के लिए होता है कि आप उस पर्टिकुलर बात के ऊपर एक तरह से जोर डालना चाह रहे हैं इम्फेसिस डालना चाह रहे हैं कि मतलब कभी कभार ही सेल्ड्रम का मतलब क्या है ना के बराबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि ना के बराबर हमें इस तरह का शानदार जो डिस्प्ले है किसका डांस का वो देखने को मिलता है तो ये रूल ऑफ इन्वर्जन यहां पे हो गया ठीक है अब अगर आप इधर देख रहे हो इस तरह से सेंटेंस मैं अगर यहां पे एक सेंटेंस लिखूं कि आई नेवर आई नेवर विजिटेड दैट प्लेस सिंपल सा सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं है यहां पे लेकिन यहीं पे अगर आप नेवर को पहले लेके आए एडवर्ब ऑफ निगेशन है नेवर को अगर हम पहले लेके आए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यानी बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग यहां पे यूज हो रही है कि जिस पर्टिकुलर टेंस के अंदर वो सेंटेंस दिया है उस पर्टिकुलर टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा अब यहां पे अगर आ, अगेन आपने नेवर से शुरुआत कर दी है देखने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है और इसीलिए संभावना पेपर में आने की भी होती है कई बार क्योंकि हमें कई ये लगता है ना कि इंग्लिश में जो चीज अटपटी है वो गलत है बट ऐसा नहीं है गलत नहीं बताता यह बताता है कि हमें शायद पता नहीं है और इंग्लिश में वन आइडिया कैन बी प्रेजेंटेड इन सो मेनी डिफरेंट वेज सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग आर पुटिंग फॉरवर्ड द सेम आइडिया एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं तो इनका ध्यान रखिए और जनरली कहा किन किन के साथ रूल ऑफ इन्वर्जन आता है आइए देख लेते हैं शायद अगले क्वेश्चन में कुछ और आपको मिल जाए मिल गया यहां पर नेवर हैड आई सीन सच अ ब्यूटिफुल साइड बिफोर इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट गुड इवनिंग जी एवरी वन वेरी गुड इवनिंग खुशी शेखावत जी हर्षित मैथ्स भाई गगन प्रताप सर भैया रूपा गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवान हांजी नेवर हैड आई सीन सच अ ब्यूटिफुल साइट बिफोर ये सेंटेंस में कोई एरर है डेफिनेटली नॉट अभी पीछे आपको बता दिया मैंने ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है इसी बात को आप और कैसे कह सकते थे आई हैड नेवर सीन द सेम सेंटेंस आर सेम आइडिया कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज आई हैड नेवर सीन आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल साइट बिफोर ठीक है आई नेवर सीन सच अ साइट बिफोर सो ये सेंटेंस भी कहने का तरीका बिल्कुल ठीक है बट नेवर के साथ आप इस फैक्ट के ऊपर इस बात के ऊपर जो स्टेटमेंट है एम्फोसाइज कर रहे हैं कि इतना ब्यूटिफुल सीन साइट दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था सो so, अगला सेंटेंस सो केयरफुली ही मैनेजेज द होल ऑपरेशन दट ऑल द हाई अथॉरिटीज ऑफ दर्गे फॉर गेट टू एडमायर हिम इन अंटेंस लंबा हो जाता है अब यहां पर मैं इसलिए आपको बता भी देता हूं कि भाई किन किन के साथ रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होता है कौन कौन से वो हमारे पास वर्ड्स हैं तो देखिए अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हार्डली से स्कैरसली से रेयरली से बेयरली से राइट नो सूनर से इफ यू आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस विथ दीज एक्सप्रेशन नॉट ओनली सेवर सेल्डम से राइट सो एटसेट्रा इनके साथ हम क्या लगा रहे होते हैं रूल ऑफ इनवर्जन अगर सेंटेंस की शुरुआत इनसे हो रही इस बात का जरूर ध्यान रखें इफ दे आर एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ई वॉट रूल ऑफ इनवर्जन अब यहां कहानी थोड़ी सी बदल रही है सो केयरफुली ही मैनेजेस द होल ऑपरेशन दट ऑल द हाई अथॉरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने मीटिंग अब देखिए यहां कॉन्सेप्ट यह है कि सो केयरफुली यानी अगला जो एक और कॉन्सेप्ट है इनवर्ड के अलावा कि अगर सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर जुड़ रहा है सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर वहां पे जुड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है तो उस केस में भी आप क्या करने वाले हो भाई वहां पे भी आप लगाने वाले हो रूल ऑफ इन्वर्जन ठीक है वहां भी आप करने वाले हैं रूल ऑफ इन्वर्जन का इस्तेमाल किस कलर से लिया जाए आज बहुत कलरफुल लग रहा है आपको यस दिस इज द फंडा सो सो एडवर्ब ऑफ मैनर में सो so केयरफुली अब उसके बाद लिखा है ही मैनेजेज तो यहां पे आपको क्या चेंज करना पड़ेगा डज ही मैनेज सो केयरफुली डज ही मैनेज द होल ऑपरेशन दैट ऑल द हाई अथॉरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेवर फॉरगेट टू एडमायर हि हिम हिम इन अ मीटिंग तो ध्यान रखिए अगर सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर लगा डेफिनेटली ये सो so जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है अगर सेंटेंस की शुरुआत इस एक्सप्रेशन से भी होती है सो के बाद कोई एडवर्ब ऑफ मैनर्स सो ब्यूटीफुली सो केयरफुली राइट सो वेल तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे रूल ऑफ इनवर्जन का एप्लीकेशन करेंगे यहां प्रेजेंट इनिटेन से ही के मामले में डज हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ गया उसके बाद सब्जेक्ट और जाहिर तौर पे अब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे होंगे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट ओनली ही इंसल्टेड मी बट ही आल्सो फोर्स्ड मी टू रिजाइन द पोस्ट फॉर व्हिच आई हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट

डिड ही इंसल्ट नॉट ओनली डिड ही इंसल्ट राइट बस इतना चेंज करना है आपको मी बट ही ऑल्सो फोर्स्ड मी टू रिजाइन द पोस्ट फॉर विच आई हैड स्ट्रगल्ड अलॉट उसने मेरा इंसल्ट ही नहीं किया बल्कि मुझे फोर्स भी किया उस पोस्ट के लिए रिजाइन करने के लिए जिसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया था ठीक है नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर और नीदर नॉर ये जो आपके तीन कोरेटिव कंजंक्शन का पेयर है ये जिसे मैंने कहा कि examiner's के अला बहुत favorite है और यहां पे दो बातें आपको मूलतः ध्यान में रखनी होती हैं पहली क्या कि अगर आ, इनके बाद noun लग रहा है या प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है not only के बाद या तो नाउन या नॉर या या के बाद जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब और बाकी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं दिस इज वन पॉइंट and the second point is what that whatever word you are using after these uh, conjunctive pairs like not only but also either or neither nor unki grammatical profile same honi chahiye right so is baat ka bahut dhyan rakhna hai iske upar bhi bar bar question milte hain so इस बात का जरूर ध्यान रखें जैसे मैं एक sentence लिख देता हूं शायद आपको बात समझ में आए शायद क्या समझ में आएगी ही जैसे कहा जाए मान लीजिए अगर इस तरीके का एक sentence कि She has, yeah, she visited, she not only visited Mumbai, but also Goa. I am अब एक बार शायद देखने में ये सेंटेंस आपको ठीक ठाक लगे फीलिंग वाइज बट अंग्रेजी फीलिंग पे नहीं चलती इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना होता है आपको और क्या बात आपको बताई मैंने कि जो वर्ड आप नॉट ओनली और बट बटालसो के बाद यूज कर रहे हो दो वर्ड शुड हैव सेम ग्रामेटिकल प्रोफाइल सो नॉट ओनली के बाद आपने विजिटेड लगा दिया और ये वर्ब है जबकि बट बटालसो के बाद गोवा लगा है दैट की प्रॉपर नाउन दैट इज प्रॉपर नाउन सो अगेन इसमें पैरलिज्म नहीं है

He is not only stupid, he is not only stupid, but also arrogant. So what you find over here, what you find over here? That now both the words both the words actually belong to the category of what? What is the grammatical profile? Both the words are adjectives. So not only ki lagaya, this is adjective. एंड बट ऑल्सो के बाद जो आपने लिखा है वो भी एडजेक्टिव है तो ये पैरलिज्म जो है वो होना चाहिए इसका जरूर ध्यान रखिए बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं ठीक है सो यहां पे वर्ब का इस्तेमाल होगा जरूर ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा दो वर्ब की ही बात हो रही है ना यहां पे सब्जेक्ट तो दो है नहीं इंसल्ट और फोर्स तो रूल ऑफ इन्वर्जन के मामले में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो के जरिए एक्चुअली हम दो वर्ब को ही एक तरीके से क्योंकि फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे डिग्री बढ़ा रहे और ऐसे हालात में आप रूल ऑफ इन्वर्जन यूज कर रहे होंगे और यह बात बड़ी है क्योंकि रूल ऑफ इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब वर्ब आएगा तो की ही बात है है इधर साफ साफ नजर आ रहा अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं नो no तो सूनर ही केम आउट हिज ऑफिस देन क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉज गैदर्ड अराउंड हिम टू रिक्वेस्ट हिम नॉट टू लीव दैट कंपनी तो वही वाली बात हमने लिखा है कि नहीं नो no सूनर वहां पर नो no सूनर हाँ लिखा हुआ है तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई नो no सूनर के साथ भी आप रूल ऑफ इन्वर्जन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना है इस बात का ध्यान यहाँ पे रखना है सो नो सूनर ही केम लिखा हुआ है क्या कर दोगे नो सूनर डिड ही कम आउट हिज ऑफिस देन दैन और नो no सूनर के साथ दैन की जोड़ी बनती है दैट इज ऑल फाइन ये कंजंक्शन में या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बहुत पूछा जाता है इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि नो सूनर के साथ दैन की जोड़ी बनती है लॉट ऑफ पीपल हैव कंफ्यूजन बिटवीन देन एंड दैन सो इट इज दैन नॉट देन देन तो तब नाउ अब देन तब और इसके साथ भी ये आप बार बार पढ़ते हो स्कैरसली रेयरली बेयरली हार्डली इसके साथ जोड़ी किसकी बनती है इसके साथ जोड़ी बनती है वेन की बात समझ में आई सो so, इसका ध्यान आपको रखना है तो वो तो खैर बिल्कुल करेक्ट है यहां पे हम एडवर्ब के हवाले से खेल रहे हैं और ये नो सूनर डिड ही कम ये जो हमारे कुछ चैप्टर्स हैं ना एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन बहुत सारे वर्ड मतलब एक ही वर्ड तीनों तरह का रोल प्ले कर सकता है सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ दीज पार्ट ऑफ स्पीच इज द रोल ऑफ एडवर्ब आर कंजंक्शन आर प्रेपोजिशन इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू विल नॉट बी ट्रेक्ड everybody knows that it seldom or ever rains over here the way it is raining today it's again a very important simple concept is pe bhi sawal bar bar aata hai uh, is baat ka dhyan rakhe seldom ka matlab na ke barabar hota hai jante ho aap adverb aap frequency hai ye तो आर के बाद आप ever कैसे कह सकते हो वो तो हमेशा के लिए बात हो गई तो जाहिर तौर पे इसके साथ मिलता जुलता word चाहिए seldom or never होता है Right? That is correct expression. या अगर सेल्डम इफ एवर लिखा हुआ है ना दैट इज ऑल्सो करेक्ट सेल्डम इफ एवर दिस इज ऑल्सो करेक्ट बट इफ सेलडम आर एवर लिखा है दिस इज इन करेक्ट एंड डू रिमेंबर दिस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑन दिस पर्टिकुलर सिंपल कॉन्सेप्ट तो बहुत कॉमन सेंसिकल है होता क्या है ना कि कई बार स्टूडेंट्स इन चीज को रट लेते हैं कि सेल्डम के साथ एवर नहीं आता नेवर आता है तो इस बात का ध्यान रखो आप नेवर तब आता है जब आप और लगा रहे होते हो सेल्डम और नेवर बट सेल्डम इफ एवर ऑल्सो हैज द सिमिलर काइंड ऑफ सेंस जो कि सेल्डम और नेवर का है और सेल्डम और एवर इज एप्सोल्यूटली अनएक्सेप्टेबल सो आप इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन लगा करके इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते थे सो दैट वॉज द प्रॉब्लम ओवर हियर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट वॉन्ट्स टू अटेंड वन सेशन अब यह है आपका मिसप्लेसड मॉडिफायर का क्वेश्चन यानी एडवर्ब की प्लेसमेंट सही जगह पर नहीं है बताइए कौन से वर्ड की प्लेसमेंट गड़बड़ है और लगाना आपने कहां पर है उसे कहां प्लेस करोगे आप कहां पर यूज करने वाले हैं आप इस बात का जरूर ध्यान रखें एडवर्ब में एक बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको जिस वर्ड को डिस्क्राइब कराना है एडवोब उसके जितना पास हो सके उतना पास लगाना चाहिए अगर आप दूर लगाएंगे तो सेंटेंस का मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है ही जस्ट वॉन्ट्स टू अटेंड वन सेशन ही वॉन्ट्स टू अटेंड जस्ट वन सेशन सो द प्लेसमेंट ऑफ दिस वर्ड जस्ट इज इनकरेक्ट And this should be placed before one and now the sentence is absolutely correct he wants to attend just one session wo sirf ek session. attend सिर्फ एक hai अटेंड करना चाहता है और इसमें मतलब बहुत खतरनाक तरीके से, से सेंस में परिवर्तन होता है अगर आप adverb की प्लेसमेंट को सही ना करें ठीक है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए बात क्लियर हो गई ओनली से बहुत खेला जाता है इस तरह से जैसे आप अगर इस तरह का सेंटेंस आप लिख रहे हैं मान लीजिए आई ओनली हैव आई ओनली हैव थ्री आवर्स टू कंप्लीट दिस टास्क तो मुझे बताओ आप क्या ओनली की प्लेसमेंट ठीक है यहां पे आई ओनली हैव थ्री आवर्स टू कंप्लीट दिस टास्क आपका कॉमन सेंस कह रहा है द प्लेसमेंट ऑफ ओनली इज इन करेक्ट Only should be placed before three because have is what? have is is what the verb of possession. ये तो ऐसे लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ है और कुछ नहीं वो जिंदगी में ये एक वर्ब ऑफ पजेशन है आपके पास ओनली यहां तीन घंटे के लिए कि मेरे पास हैं सिर्फ तीन घंटे इस काम को पूरा करने के लिए मेरे पास हैं, हैं क्या सिर्फ तीन घंटे तो ये ओनली जो है वो थ्री आवर्स के पहले आएगा इस बात का ध्यान रखें वो इस वर्ब को आ, जो है इंटेंसिफाई करने के लिए ओनली नहीं लगा हुआ है तो इसका ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है कि ओनली इज प्लेस जनरली बिफोर दैट पर्टिकुलर वर्ड जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी कि मैं किसको डिस्क्राइब कराना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर शब्द के साथ अब आप क्योंकि एक ही वर्ड जैसे मैंने कहा मॉडिफायर में एडजेक्टिव एडवर्व दोनों का काम कर सकते हैं आई ऑलमोस्ट सॉ द होल मूवी बट आई फेल अ स्लीप अराउंड मे डाइट क्या प्रॉब्लम है यहां पे आई ऑलमोस्ट सॉ द होल मूवी बट आई फेल अराउंड मिड नाइट क्या ऑलमोस्ट की प्लेसमेंट सही है क्या यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट वॉब के लिए आया है आई ऑलमोस्ट सॉ है ये तो ऐसे लग रहा है कि इसकी आंखें पूरी खुलती नहीं है, है मैंने ऑलमोस्ट देखा तो ऐसा तो है नहीं यहां पे इस ऑलमोस्ट की प्लेसमेंट कहां होनी चाहिए ऑलमोस्ट शुड बी प्लेस्ड बिफोर वॉट ऑलमोस्ट शुड बी प्लेस्ड I saw almost the whole movie. ठीक है क्लियर हो गई बात सो आई सॉ ऑलमोस्ट द होल मूवी लगभग पूरी फिल्म देख ही जैसे होता है कि भाई लास्ट में क्लाइमैक्स में मैं जो मुझे नींद आ गई तो यहां पे भी आप क्या देख रहे हो ये भी मिसप्लेस्ड वर्ड का क्वेश्चन था जहां पे या मिसप्लेस्ड मॉडिफायर की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉडिफायर में अभी ये वर्ड की बात चल रही है अभी हम शब्दों के साथ खेल रहे सो आई सॉ ऑलमोस्ट द होल मूवी आइए अब आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन है द डॉग वॉज रेस्क्यूड आफ्टर द बिल्डिंग हैड बीन सेट ऑन फायर बाय अ फायर मैन द डॉग वॉज रेस्क्यूड आफ्टर द बिल्डिंग हैड बीन सेट ऑन बाय अ फायर मैन नाउ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर आप मुझे बताइए किसकी प्लेसमेंट यहां पे सही नहीं है अच्छा अब आशीष सर के साथ टाइमिंग बदल चुकी है शाम को छः बजे सर की टाइमिंग है ध्यान रखिएगा सिक्स टू सेवन जो है आपकी क्लासेस जो हैं वो मैथ्स की चल रही होंगी और सेवन टू एट या जो भी टाइम चल रहा है तो वो जितना टाइप टॉपिक का रेंज है उस हिसाब से तो सात बजे के बाद जो क्लास है सेवन टू एट वो आपकी इंग्लिश की है इंग्लिश वन थ्री फाइव चल रही है आप जानते हैं तो ये टाइमिंग्स बदल चुकी है। इसका हैं इसका अपडेट भी डलवा देंगे हम चैनल पे तेरा सेंटेंस को पढ़ के देखो कुछ सेंस निकल रहा है इसका द डॉग वॉज रेस्क्यूड आफ्टर द बिल्डिंग हैड बीन सेट ऑन फायर बाई अ फायर मैन है फायर मैन का काम आग लगाना होता है क्या सेंटेंस तो यही कह रहा है फायर मैन बिल्डिंग को को आग लगी है आग लगाने का काम फायरमैन नहीं करेगा आग बुझाने का काम करेगा रेस्क्यू करने का काम करते हैं फायरमैन तो यहां पे आप देख रहे हो दिस इज अ ग्रुप ऑफ थ्री वर्ड सो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट दिस विल बी कॉल्ड फ्रेज एंड दिस इज केस ऑफ मिसप्लेस्ड फ्रेज सो दिस फ्रेज शुड बी प्लेस सम एल्स एंड ये प्लेस्ड कहीं और है तो कहां पर लगाना चाहिए कहां पर लगाना चाहिए इसको बताइए मुझे कहां सेट करें उसको डॉग वॉज रेस्क्यूड बाई अ फायरमैन इसको उठा करके आप यहां सेट करोगे रेस्क्यू करने का काम फायरमैन करेगा द डॉग वॉज रेस्क्यूड बाई अ फायरमैन कुत्ते को बचा लिया गया एक फायरमैन के द्वारा कब आफ्टर द बिल्डिंग हैड बीन सेट ऑन फायर बिल्डिंग में आग लगने के बाद बात समझ आई एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन she kept her medicine in the medicine cabinet that had been prescribed to her। और अब जो अगला सेशन होगा ना वो मिसलेनियस होगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं और एडजेक्टिव और एडवर्ब के मिक्स्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आप जितना चाहें हम मैं क्वेश्चन लेके आ सकता हूं कितना चाहते हो आप एक सेशन में वेंसडे को कुछ और छोटा सा केस है अभी रूल ऑफ इन्वर्जन में एक दो और तो उस उस तरह के क्वेश्चन भी मैं ले आऊंगा कि वो कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि आई विल कम अप विद एटलीस्ट थर्टी क्वेश्चन थ्री जीरो एंड वो मिक्स्ड होंगे सारे कॉन्सेप्ट की आपका एक कंप्लीट रिविजन नेक्स्ट सेशन में वेंसडे को हो जाए तो तैयार रहिएगा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा कहां पे सेट कर रहे हो इसको आप शी केप्ट हर मेडिसिन इन द मेडिसिन कैबिनेट दैट हैड बीन टू हर आपने मेरे साथ मेरे बैचेस के अंदर चाहे वो बैंकिंग स्पेशल में भी ग्रामर में वो काम होता है और फाउंडेशन बैचेस में भी मैं आपको शुरुआत में ग्रामर प्राइमर पढ़ाता हूं जिसमें हम वर्ड फ्रेज क्लॉज इन सब चीजों की समझ लेते हैं क्योंकि एक सेंटेंस के बनने में इन सभी की जरूरत होती है अब देखो ये आपका एक सेंटेंस है दिस इज सेंटेंस फुल स्टॉप लगा है एंड दैट द सिग्नल कि हाँ ये आपका एक सेंटेंस है बट इस सेंटेंस में ये क्या है दैट हैड बीन प्रेस्क्राइब टू हर ये आपका क्लॉज है यह एक क्लॉज है क्या इस क्लॉज की प्लेसमेंट सही है आपको पता है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन और अब वो अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है यानी जो उसके पहले आया हुआ है तो आप खुद कॉमन सेंस लगा के सोचें, क्या कभी कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन कैबिनेट प्रेस्क्राइब करेगा कि मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा मेडिसिन कैबिनेट का मतलब कि आपने मेडिसिन रखनी है भैया तुम कहीं रखो तुम्हारी कोई अलमारी हो कैबिनेट हो डॉक्टर को क्या लेना देना डॉक्टर कैबिनेट थोड़ी वो फर्नीचर की दुकान खोल के बैठे हैं क्या नहीं उनका काम है दवा प्रेस्क्राइब करना सो दिस इज द केस ऑफ मिसप्लेस्ड क्लॉज बोला जाता है इसको ये क्लॉज की प्लेसमेंट सही नहीं है और जो हमारे सीरियस बैंकिंग एक्सपेरेंट हैं वो जरूर ध्यान दें आपको मिसप्लेस्ड फ्रेजेस और मिसप्लेस्ड क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन मिल सकते हैं ग्रामर बेस्ड

का तरीका क्लैरिटी से पता है या नहीं पता है कि अगर वो एडजेक्टिव क्लॉज है एडजेक्टिव एडजेक्टिव हम ही कर रहे हैं है, तो तो इस ये किसको डिस्क्राइब करेगा? उसकी उसकी प्लेसमेंट प्लेसमेंट होनी चाहिए, राइट? मेडिसिन कैबिनेट यानी पूरा क्लॉज उठ करके यहां आ जाएगा शी हर मेडिसिन कौन सी मेडिसिन दैट हैड बीन प्रेस्क्राइब टू हर सो दिस होल क्लॉज ये जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है किसको इस मेडिसिन को तो ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर अब आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर के क्वेश्चन है ना ये तीनों तरीकों से पूछे जा सकते हैं इसमें आपको एक वर्ड भी मिल सकता है जो जनरली कॉमनली लोगों को यही लगता है कि वर्ड मिसप्लेस हो गया भाई एडवर्ब लगाना कहीं और था लगा कहीं और है लेकिन जब लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होता है तो आपको मिसप्लेस्ड फ्रेजेस भी मिलते हैं और मिसप्लेस्ड क्लॉजेस भी मिलते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन और क्लॉजेस पे कराऊं तो वो भी कर सकते हैं अगले वाले सेशन में और वो सेशन हमारा मिसलेनियस होगा ठीक है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो so दैट की आपकी क्लैरिटी यहां पर होती रहे तो हम शुरुआत कर रहे हैं मॉडिफायर्स से राइट right? मॉडिफायर्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम और जब मैं मॉडिफायर्स कह रहा हूं तो मैं दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं यहां पे पहला है आपके पास एडजेक्टिव और दूसरा है एडवर्ब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यही दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके पास बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने का या डिस्क्राइब करने का काम होता है अब एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फर्क है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है बिकॉज एक ही जो शब्द है वो एडजेक्टिव का, का भी काम कर सकता है और वो एडवर्व का भी काम कर सकता है वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है आइए थोड़ी सी पड़ताल करते हैं आप मुझे सही सही बता पाए यहां पे। और पर आज की क्लास में मैं आपको बता दू ये करने वाले हैं टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव करने वाले हैं बट थोड़ा सा बेसिक्स को एक बार ब्रशअप कर लेते हैं इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक यू आर intelligent enough you are intelligent enough to understand this this is the first sentence and the second sentence is you have enough intelligence you have enough intelligence

फर्स्ट में एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या सेकेंड में एडजेक्टिव है या एडवर्ब है डू लेट मी नो आज अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप बिल्कुल कर लें यहां पे। और बहुत ही पुराना क्वेश्चन टाइप है ये। चलिए अब मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं सो so, फर्स्ट में एडवर्ब है सेकंड में एडजेक्टिव है सेकंड में एडजेक्टिव है ओके okay? सो so, इधर उधर जा रहे हैं आप देखो इनको जरा पहचानने का काम कर लो अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो सीरीज शुरू होती है नाउन प्रोनाउन फिर आती है बात एडजेक्टिव की फिर वर्ब है और फिर आपके पास एडवर्ब है मोटे तौर पर यह दिमाग में रखो आप कि भाई नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी किसकी है एडजेक्टिव की है सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन आर प्रोनाउन एज सिंपल एज दैट एंड वॉट इज एन एडवर्ब एडवर्ब इज अ वर्ड

मॉडिफाइज दट आर डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड वॉट एडजेक्टिव सो सेकंड सेंटेंस में द्वट इट इज एडजेक्टिव एंड वॉट काज एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी दिस इज एडजटिव ऑफ क्वान्टिटी बिकॉज इंटेलिजेंस इज एब्रैक्ट नाउन यू कांट गिव अब इसको कोई नंबर नहीं दे सकते अनकाउंटेबल है ये तो कहने का क्या मतलब है कि एक ही शब्द जो है वो एडजेक्टिव और एडवोब दोनों का काम कर सकता है तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए बिकॉज कई बार हम कुछ परसेप्शन बना लेते हैं कि एडवोब्स आर मेड जस्ट बाय एडिंग एल वाई विद एन एडजेक्टिव क्लेवर एडजेक्टिव है तो उसमें ad, uh, कर लिया क्लेवरली दैट बिकम्स एडवर्ब नो इट्स नॉट ट्रू ऑल टाइम इंग्लिश में भाई ग्रामर में खास तौर से आप देखोगे हर कॉन्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन मौजूद है तो कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे करके आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो हर जगह पे एप्लीकेबल है एलवाई लगा के एडव बनाते हैं हम डेफिनेटली एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर दो आप सफिक्स के तौर दैट बिकम्स बट वी हैव लॉट ऑफ एडजेक्टिव जहां पर एलवाई लगता है लाइक यू से मंथली वीकली सो वीकली न्यूजपेपर मंथली मैगजीन तो यहां पे एलवाई इज वॉट दैट इज एडजेक्टिव राइट right? या आप अपने वीकली टेस्ट की बात करते हो या आरबीआई की बाई मंथली पॉलिसीज हैं इन ऑल हम कहते हैं वॉट इन लवली पर्सन ही इज लवली इज वॉट दैट इज एडजेक्टिव दैट्स नॉट तो कभी भी इन चीजों को रट के नहीं बैठना दिमाग में हमें राइट right? तो so, पहली बात तो आपको यह समझ में आ गई कि एक ही शब्द जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड ग्रामर इज ऑल अबाउट टू थिंग्स टू फैक्टर्स इट्स नॉट अबाउट द वर्ड प्लेसमेंट कि आप शब्द को कहां पे प्लेस कर रहे हैं एंड सिलेक्शन वर्ड को चूज कर पा रहे हैं सही शब्द को सेलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो ये तो बात हो गई एडजेक्टिव और एडवर्ब की डेफिनेशन थोड़ी सी अब हम जब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं तो एडजेक्टिव में जो सबसे बेसिक सी बात है वो क्या है डिग्री ऑफ एड्जेक्टिव डिग्री ऑफ एड्जेक्टिव पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव सो ये तीन डिग्रीज का क्या मतलब है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन एंटिटी एक इंसान एक सामान कोई भी ंग इसीलिए मैंने एनटीटी शब्द का इस्तेमाल किया यू यूज पॉजिटिव डिग्री बट वेन यू हैव टू एंटीटी आप क्या लगाते हो कंपेरेटिव डिग्रीटिव का इस्तेमाल हम दो एंटीटीज के लिए करते हैं और दो से जब ज्यादा हो दो से ज्यादा हो मोर देन टू हो और उनमें से आपको किसी एक को बेहतर बताना है तो वहां आप सुपरलेटिव लगाते हैं दिस इज अंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ एब्जेक्टिव राइट सो so, uh, इस बात की समझ रखनी है और सारी कॉन्सेप्ट इसी के आसपास घूमते हैं अब विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द विदेश जहां पे हम आज एडजेक्टिव के टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले अच्छा एक छोटी सी बात और उसके पहले कई बार ये कंफ्यूजन होती है वो मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं uh, अगर मान लीजिए हमने एक मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा कि शी इज ब्यूटिफुल शी इज ब्यूटिफुल एंड द सेकेंड वन इज शी इज द ब्यूटिफुल लेडी If I ask you that out of these two sentences, in which sentence the word beautiful is being used as an adjective, what will be your answer? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं दोनों में से कौन से ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है पहले में दूसरे में या कुछ और जवाब आपको लग रहा है वॉट डू यू से सचिन यादव इंग्लिश बहुत वीक है सर बिल्कुल बिल्कुल बैच आ चुका है बैंकिंग का डोंट वरी मैं बैच के बारे में डिटेल्स बाद में दूंगा आपको पहले साथ में यहां ध्यान देते चलो देखिए एक ऐसी गलती जो हम कॉमनली करते हैं यहां पे खुशी का आंसर रेक्स्टर का आंसर गलत है काफी लोग सही है बेसिक सी बात है ध्यान रखो देखो डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ी एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन सो इफ वी लुक एट दीज टू सेंटें दोनों पे अगर हम निगाह डालते हैं तो पहले सेंटेंस में वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है शी शी को को कर रहा है इज प्रोनाउन प्रोनाउन जो डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है तो यहां ये यह बिल्कुल एडजेक्टिव है और इसे हम कहते हैं किस तरह का एडजेक्टिव दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ध्यान रखें आप प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव तो जब भी आप एडजेक्टिव से सेंटेंस का एंड करते हो जैसे मैं, मैंने मैंने अगर ये कहा कि दिस बोर्ड इज वाइट ड इज व्हाइट तो व्हाइट इज का प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव लेकिन अगर मैं वहीं पे कहूंगा दिस इज अट बोर्ड तो बोर्ड नाउन हो गया और नाउन के पहले व्हाइट आ गया जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है और जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आकर के उसको डिस्क्राइब करता है तो उसे हम क्या कहते हैं एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं पहले ये क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में गफلت में रहते हैं कि आ, हमेशा एडजेक्टिव तभी होगा जब वो नाउन से पहले आएगा तो उसके अपने कारण हैं मैं उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं जाने वाला अभी यहाँ पे आ, उसके कारण यही है कि एडजेक्टिव के जितने टाइप्स हैं उनमें सिर्फ एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो

पहला सवाल आपके सामने है और इस सवाल के साथ इस क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे क्वेश्चन इज एट द प्राइम ऑफ एसी योर आइडिया साउंड रीजनेबली एंड आई थिंक इट मे वर्क इन दिस सिनेरियो इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट और अगर इनकरेक्ट है तो आप इसको कैसे करेक्ट करोगे और क्यों करोगे यू हैव थर्टी सेकेंड फॉर दिस एंड हैव द डिस्कशन टाइमर भी आपके लिए लगा देता हूं आंसर करें फटाफट रियांस कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो रहे हैं यहां पे। डोंट वरी अबाउट दैट इसीलिए ये शुरू किया है ग्रामर फाउंडेशन जितने इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब रिवाइज हो जाएंगे चलिए योर टाइम इज अप टाइम इज अब कितने लोगों को पता चल गया कि कहां पे एरर है या नहीं है या लग रहा है नहीं सर हम बड़े अहिंसक लोग हैं हमें तो सेंटेंस बिल्कुल सही नजर आता है प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर वर्ड में है यहां पे रीजनेबली लिखा है जो कि गलत है यहां पे होना चाहिए रीजनेबल अब सवाल ये है कि रीजनेबल शब्द की अगर हम बात करते हैं तो दिस वर्ड इज वॉट इट्स एडजेक्टिव और रीजनेबली है तो ये एडवर्ब है फिर आपका ज्ञान ये कहेगा कि साउंड जो शब्द है यहां पे दैट इज वर्ब और वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है एड वर्ब तो हमें पहली नजर में ये लग सकता है कि सेंटेंस इज एप्सल्यूटली करेक्ट बट इट्स नॉट लाइक दैट यहां पे जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ इसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये स्टेटिव वर्ब नाम से पता लग रहा है वो वर्ब जो किसी का स्टेट बताएं कि वो किस कंडीशन में है किस अवस्था में है किस हालात में है तो स्टेटिव वर्ब्स की कुछ खास बातें होती हैं और ये कई सारे चैप्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है ये टेंस के साथ जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ आपको दिख ही रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं Tenses के साथ वो भाई है ये डेफिनेटली सो टेंस एडजेक्टिव एडवर्ब एक तरह से चार चैप्टर के साथ ये टॉपिक संबंधित है अब स्टेटिव वर्ब जो होते हैं इनको कौन डिस्क्राइब करता है इनको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि स्टेटिव वर्ब्स आर डिस्क्राइब मॉडिफाइड बाई वॉट एजेक्टिव यह कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन से मिला ठीक है अब यह स्टेटिव वर्ब कहां से आया ये जो साउंड जो शब्द है ना यह स्टेटिव वर्ब है आपके स्टेटिव वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं यह किस कैटेगरी से बिलोंग करता है सेंस परसेप्शन वाले वर्ब सेंस परसेप्शन वाले वर्ब जो है राइट right, या मेंटल एक्टिविटी वाले जो वर्ब हैं इनके साथ आपको ध्यान इनको भी हम स्टेटिव बोलते हैं मेंटल एक्टिविटी ठीक है इमोशन फीलिंग एक्सप्रेशन वाले जो वर्ब्स हैं आपके और क्या आ जाता है वर्ब ऑफ पजेशन यानी वो वर्ब्स जो किसी चीज के ऊपर आपकी मालकियत दिखाते हैं उन सभी के साथ ये बातें एप्लीकेबल है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब देखिए साउंड जो है वो हमारा सेंस परसेप्शन हाँ या ना सबके सुनने की क्षमता अलग अलग हो सकती है इस कैटेगरी में और क्या आ सकता है स्मेल आ सकता है ठीक है स्मेल आ सकता है टेस्ट आपको एग्जाम में मिल सकता है इस तरह के वर्ब मिल सकते हैं तो अब ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है अब जैसे मान लो इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दू कि फूड टेस्ट टेस्ट डिलीसियस या डिलीसियसली अब आप किसके साथ जाने वाले हो यहां पर किसके साथ जाने वाले हैं डिलीसियसली या डिलीसियस तो आपको समझ आ गया अभी पीछे ही मैंने बताया कि टेस्ट जो है यहां पे अगेन स्टेटिव वर्ब है आप किसी खाने को लेकर के अपनी उसका स्टेट बता रहे हैं और वो किसके द्वारा डिस्क्राइब डिस्क्राइब होगा होगा वो वो एक एडजेक्टिव के द्वारा पे सही है यहां पे ये गलत है तो मैंने जो थोड़ी देर पहले बात कही थी कि आंख बंद करके चीजों को नहीं रट लेना है कि नहीं वर्ब को तो एडवर्ब करता है ये जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं इनको कौन डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा ऐसे ही अगर आप सेंटेंस इस तरह का लिखो कि this flower this flower smells sweet this flower smells sweet this is the sentence second one i am smelling this flower अब मुझे बताओ आप क्या ये दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं इसमें दोनों सही हैं या इसमें से कोई एक गलत है या दोनों गलत हैं व्हाट इज भी हमने उसी में रखा है सेंस परसेप्शन वाले वर्ब में भाई आप किसी चीज को स्मेल करके जो राय रखते हैं वो आपकी अपनी राय है ना जैसे वही खाना किसी को तीखा लगता है किसी को ठीक ठीक, ठीक लगता है एक ही घर में कोई तीखा खा रहा होता है कुछ Uh, कोई नॉर्मल खाता है किसी को कम मिर्च चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए तो आप किसी खाने के बारे में अगर चार चार लोग चार अलग अलग राय रख रहे हैं तो वो 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 उनका उनका परसेप्शन है वो है है प्रोजेक्शन रियलिटी नहीं और इसीलिए आपके अनुसार उसकी अवस्था क्या है आप वो बता रहे हो अब ये दो सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं अब देखो इंग्लिश में जो एक्सेप्शन का मामला चलता है वो आपको यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है दिस फ्लॉर स्मेल स्वीट ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है अब जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इन वर्ब के साथ कई सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं और टेंस भी जुड़ा हुआ है तो स्टेटिव वर्ब के साथ जो टेंस वाली बात जुड़ी है वो क्या है कि स्टेटिव वर्ब्स को हम इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं यानी चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसके इंडेफिनिट वेरिएंट में आप इसको लिखते हो इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं स्टेटिव वर्ब्स के साथ यानी आप यहां पर आई वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते अब यहां पे आई वाला इस्तेमाल दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे कि नहीं जो स्मेल के साथ तो हमें इंडेफिनेट में बात करनी है इसमें हम आई नहीं लगा सकते नहीं यहां लगाना बिल्कुल जायज़ है अब फर्क समझ लीजिए इसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्व ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप फूलों की क्यारियों के बगल से गुजर रहे हैं और आपको महक आई और आपने उसका स्टेट बता दिया कि फूल अच्छे महक रहे हैं हिंदी बोलने में आप रहे हैं बोल रहे होगे इसीलिए वो ट्रांसलेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है हिंदी अंग्रेजी की सीधी शादी करने की कोशिश मत किया करो आप सो so, वो हो गया स्टेटिव वर्ब लेकिन वहीं पे आप जब एक फूल को तोड़ करके अपने नाक के पास ला करके सूंघने की कोशिश कर रहे हो तो अब वो स्टेटिव वर्ब नहीं है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब यानी उस समय वो एक्शन चल रहा है वो एक्शन चल रहा है और जब वो कॉन्टिन्यूटी में है तो आप कॉन्टिन्यूस बिल्कुल लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है

बाकियों के बारे में कभी बात में बात कर लेंगे बस इतना ध्यान रखिए मेंटल एक्टिविटी में किस तरह के वो यहां पे आ जाएंगे जैसे अज्यूम है आपके पास अज्यूम है 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 प्रिज्यूम थिंक ये सब मेंटल एक्टिविटी के वर्ब हैं तो टिपिकली इनको भी हम कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते इंडेफिनेट में यूज करते हैं ठीक है थीके? इनको हम इंडेफिनेट में वैसे ही आप इधर देख लो तो भाई लव है लाइक like है हेट है विश है इनको भी हम इन जनरल इन जनरल मैं बार बार ग्रामर में इन जनरल बोलता हूं इसीलिए बिकॉज दूसरा मॉडल भी पॉसिबल है इन जनरल वी यूज वॉट इन डेफिनेट आई लव यू नॉट आई एम लविंग यू आई 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 लव यू 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 हेट लाइक विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे राइट सो इसमें पॉइंट यही है कि जो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है ना उसको बड़ा डेलीबरेट टेंस माना जाता है कि जब आप कोई भी बात कॉन्टिन्यूस टेंस में कह रहे हो इसका मतलब वो चीज उस समय हो रही है बचपन से पढ़ रहे हैं हम वो गा रहा है मीनस वॉट द मोमेंट यू आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट एट दैट मोमेंट दैट पर्सन इज सिंगिंग एज सिंपल एज दैट सो इसीलिए जिस चीज में हम श्योर नहीं हैं वहां अनश्योरिटी वाला टेंस लगाना है और अनश्योरिटी वाला कौन सा इनडेफिनिट नाम से ही पता लग रहा है इनडेफिनिट यानी जो निश्चित ना हो अनिश्चित तो जहां श्योरिटी नहीं है जहां निश्चितता नहीं है वहां अनिश्चितता वाला वेरिएंट लगाना यानी इनडेफिनेट लगाना है और यह कारण है कि आप अब जैसे देखो थिंक का जैसे उदाहरण लेते हैं यहाँ पे थिंक का एग्जाम्पल लेते हैं मेंटल एक्टिविटी में आया है अब आप दो तरीके से यूज करते हो अब सपोज आपके दोस्त की शादी है और आप उसके साथ शॉपिंग के लिए गए और वो अपनी शेरवानी ट्राई कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि यार तुम्हें कैसा लग रहा है ये ठीक है मेरे पे जंच रहा है अब आई थिंक ठीक ठीक सा है कुछ और भी ट्राई कर सकते हो तो वहां पर आपने आई थिंक बोला वहां पर तो उधर तो हम क्या लगा सकते हैं इंडेफिनेट लगाएंगे क्योंकि वहां पे अगेन आप अपनी राय रख रहे हैं वहां पे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जस्ट ऐसा नहीं कि लिटरली आप बैठ करके किसी चीज के बारे में बड़ी गहराई से चिंतन मनन कर रहे हो यू आर कॉन्टेप्लेटिंग ओवर समथिंग यू आर पॉन्डरिंग ओवर समथिंग नो इट्स नॉट यू आर जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड योर ओपिनियन लेकिन वहीं पे सपोज यू हैव अ प्रोजेक्ट और कल उस प्रोजेक्ट का सबमिशन है और आप पूरी रात उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप सोच में डूबे हैं यू आर डूइंग ब्रेन स्टॉर्मिंग कमरा बंद करके काम कर रहे हो दिमाग चल रहा है तुम्हारा लगातार सोच रहे हो वहां पे आप थिंकिंग लगा सकते हो तो कोई ये कहे अगर आपको कि नहीं इनमें आईएनजी नहीं लगता है रूल रट के बैठ गए इसलिए मैं बार -बार करता हूं। मेरे साथ ना तो आप ग्रामर के रूल रटोगे ना वो कैब कुछ रटोगे ना कॉम्प्रश हर चीज का एक साइंटिफिक अप्रोच समझने की कोशिश करोगे अगर आपने ये रट लिया कि नहीं इन वो में आई नहीं लगता है, ये डेंजरस बात है लगता है कब लगता है कहां लगता है यह पता होना बहुत जरूरी है अब जैसे यहीं पे हम बात कर रहे हैं इमोशन फीलिंग्स की तो यहां हम लगा सकते हैं आईएनजी बट द मोमेंट यू पुट आईएनजी विद आई वर्ब्स मींस व्हाट कुछ समय वो एक्शन हो रहा है अगर आप किसी से कह रहे हैं आई आई लव लव यू यू सो इज जस्ट द फीलिंग फीलिंग आप अपना जो है उसको एक्सप्रेस कर रो मैं तुमको प्यार करता हूं बट द मोमेंट यू से आई एम लविंग यू नाउ इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड विद द इमोशन एंड फीलिंग नाउ यू गॉट इन टू सम फिजिकल एक्टिविटी दैट काइंड ऑफ मीनिंग इट पुट्स फॉरवर्ड सो कितना डिफरेंस आ जाता है एक आईएनजी लगा देने से या जो मैगडी का पंच लाइन है आई एम लविंग इट आई एम लविंग इट इज नॉट लाइक यू आर रियली लविंग दैट बर्गर या वहां पे वो लाइक like वाला सेंस आ गया तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इन वर्ड्स में आईएनजी लगाते हो ना तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है उस मतलब के लिए अगर आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आई लगाना बिल्कुल जायज है लेकिन अगर वो मतलब नहीं है तो आप नहीं लगा सकते जैसे यहां पर वो सब पोजिशन की हम बात करें हैव का मतलब रखना होता है हैव है ओन है पजेज है राइट right? बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं लेकिन मैं सभी से एक ले ले रहा हूं अब have की बात है। आप कहो कि आई एम हैविंग माई लंच आई एम हैविंग माई डिनर आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट इट इज एप्सिल्यूटली फाइन यहां पे कोई आपको दिमाग में रटाए कि नहीं है आई एन जी नहीं लगता है मैंने पढ़ा था वो गलत बात है कब नहीं लगता रखने के लिए नहीं लगता है अगर आप ये कह रहे हो कि आई एम हैविंग माई लंच बॉक्स इन माई बैग क्ट वहां पर आपको कहना पड़ेगा आई हैव माई लंच बॉक्स इन माई बैग दिस इज करेक्ट बट इफ यूर सेविंग माई लंच मीन वॉट यू आर ईटिंग योर लंच अगर आप खाना खा रहे हो और उसके लिए हैविंग लगा रहे हो तो वहां पर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है आप आई एन जी लगा सकते हैं राइट सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डू रिमेंबर दिस और यहां पर हमें बात क्या समझ आई एडजेक्टिव एडवर्क के हवाले से कि स्टेटिव वर्ब आर क्वालिफाइड बाई वॉट

चलिए टाइम इज अप यहां पे इस वर्ड में प्रॉब्लम है माइजरली कर रहे हैं आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा की थी कि हम कभी ये रट के ना बैठे कि भाई वाई लगा के एडव बनता है हमेशा ये एडजेक्टिव है तो इस बात का आप ध्यान रखें ऐसे बड़े सारे शब्द निकल के आते हैं जैसे अभी हमने बात करी थी यू हैव माइजरली यू नो यू हैव लवली वीकली मंथली राइट, स्कॉलरली कावर्डली ऑल दीज वर्ड्स आर वॉट बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ये सारे के सारे शब्द क्या हैं ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव तो आपको जब एडजेक्टिव की जरूरत है तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे हीज अ स्कॉलरली पर्सन राइट और फिर एक मन में सवाल ये पैदा होता है कि जब हम एलवाई लगा कि इन के इन वर्ड्स को एड्जेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे हैं आई एम सपोज टू यूज दीज वर्ड्स एज एन एडव देन कैसे मैं करूंगा तो कैसे करोगे आप अब जैसे आपने सिंपल सा सेंटेंस बोला कि भाई ही इज अ माइज़र, ही इज अ माइज़र, देन ही इज अ माइज़रली पर्सन ही इज अ माइजरली पर्सन एंड ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन अ Miserly manner, right? So आपको ये एडवर्बियल फ्रेज यूज करना पड़ेगा जब आप इसको एडवर्ब के तौर पे यूज करना चाहते हैं सो इन माइजरली मैनर और इन अ माइजरली फैशन इस तरह का एडवर्बियल फ्रेज आपको बिकॉज फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो यहां पे एक शब्द एडवर्ब का काम नहीं कर रहा यह चार शब्दों का समूह एडवर्ब का काम कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप दिस माइजर इज नाउंड

बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यहां पे दिक्कत आती है इसमें आपके पास लिटिल है और फ्यू है कई बार हम इसमें डिफरेंसिएट नहीं कर पाते उसके बाद अगली समस्या पैदा होती है लिटिल और अ लिटिल में क्या फर्क है एंड देन यू हैव द लिटिल राइट हेयर यू हैव अ फ्यू एंड द फ्यू वॉट द डिफरेंस सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू इज वॉट लिटिल का इस्तेमाल आप करते हो अनकाउंटेबल नाउन के पहले और फ्यू का इस्तेमाल करते हो काउंटेबल नाउन से पहले ये आपका पहला डिफरेंस लिटिल और फ्यू के बीच में हो गया सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज वॉट लिटिल एंड फ्यू आर यूज इन नेगेटिव कॉन्टेक्सट यानी कोई चीज अगर ना के बराबर है नहीं है तो आप वहां लिटिल लगाते हो क्वांटिटी के लिए और फ्यू लगाते हो नंबर के लिए अगर वो चीज थोड़ी सी है तो आप वहां पे अ लिटिल लगाओगे क्वांटिटी के लिए और ऑफ यू लगाओगे नंबर के लिए और फिर आ जाती है बात द लिटिल की जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहां पे जवाब सही नहीं आया है सुचित्रा ने कोशिश करी है सपना ने कोशिश करी है और भी लोग कोशिश करेंगे क्या प्लीज वट इज द प्रॉब्लम इन सेंटेंस एंड हाउ विल यू करेक्ट इट एनी सो far आई हैव गॉट एनी करेक्ट ऑप्शन हियर ड दिस द वर्ड बिफोर दिस फ्यू यानी यहां पर हमें द फ्यू का इस्तेमाल करना था ना कि फ्यू का इस्तेमाल करना था एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इस uh, मैं एग्जाम्पल के साथ बात कर लेता हूं आपके जैसे मान लीजिए आपके पास uh, ना के बराबर पैसा है जेब खाली है आपकी तो आप क्या कहोगे आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट यू डू नॉट हैव एनी मनी ना के बराबर ऑलमोस्ट नथिंग और मनी इज वॉट अगर मैं आपसे पूछू मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल सो मनी इज अनकाउंटेबल नाउन देखो जब भी मन में ये सवाल पैदा हो कि कोई नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है चुपचाप उसके पहले कोई नंबर लगा के देख लो अगर अंतरात्मा की आवाज आ रही है वैसे अंतरात्मा की आवाज कई बार अंग्रेजी में धोखा दे जाती है अंतरात्मा की आवाज आ रही है जी नंबर लगाना ठीक ठीक है तो आप उसको काउंटेबल बोल दीजिए तो क्या आप ये बोलते हो क्या आई हैव फाइव मनी आई हैव टेन मनी आई हैव सेवनटीन मनी नो आप ऐसा कभी भी नहीं बोलते तो मनी इज अनकाउंटेबल बट करेंसी इज काउंटेबल राइट यू कैन काउंट रूपीज डॉलर स्पेन राइट करेंसी को काउंट कर सकते हैं आप ये कह सकते हो आई हैव फिफ्टी रूपीज हंड्रेड रुपीज बट यू कांट से आई हैव फिफ्टी मनी यू नो सो मनी इज अनकाउंटेबल एंड इफ मनी इज अनकाउंटेबल आउट ऑफ लिटिल और फ्यू हम क्या यूज करने वाले वी हैव टू यूज लिटिल लिटिल बिकॉज़ मनी मतलब मेरे के पास ना के बराबर पैसा है. फिर आपने कहा आई हैव इसका क्या मतलब है मेरे पास थोड़ा पैसा है और फिर आपने कहा द लिटिल मनी आई हैड कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था वो चुरा लिया गया द लिटिल मनी आई हैड दिस इज नाउन क्लॉज एक्टिंग एज एन सब्जेक्ट और उसके लिए फिर ये आ गया has been stolen अभी। जो कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था वो चुरा लिया गया तो ये मतलब होता है द लिटिल का जो कुछ थोड़ा ऐसे अगर आपको वर्नैकुलर हिंदी में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो कुछ थोड़ा तो यहां जो कुछ थोड़ा हो गया क्वॉंटिटी में और यहां जो कुछ हो गया नंबर के लिए सो so, मैंने मनी का एग्जाम्पल यहां पर ले लिया अब फ्यू के लिए कुछ काउंटेबल ले लो आप मान लो बुक्स ले लिया आपने सो so अगर आप ये कह रहे हो कि आई हैव फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश वोकैबलरी इसका क्या मतलब है कि आपके पास इंग्लिश वोकैबलरी के ऊपर ना के बराबर किताबें हैं फिर आपने कहा आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश वोकेबलरी सो हियर इट इज मेरे पास कुछ किताबें हैं और फिर वो कुछ कितनी है ये पता नहीं लगता तो आप क्या कह सकते हो आप कि द फ्यू बुक्स आई हैड ऑन इंग्लिश हैज वोकैबलरी गिवन टू माई यंगर ब्रदर यानी जो कुछ थोड़ी किताबें थी मेरे पास वो कैब की वो सब मैंने अपने छोटे भाई को दे दी सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग फ्यू ऑफ यू द फ्यू एंड लिटिल अ लिटिल द लिटिल जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे यू हैव टू रीड द सेंटेंस यू हैव टू गेट द कॉन्टेक्स्ट ट्राई टू फिगर इट आउट दैट वट काइंड ऑफ कॉन्टेक्सट इज देयर वहां ना के बराबर बात हो रही है थोड़ी बात हो रही है अब जैसे यहां पे सेंटेंस पढ़ के साफ समझ आ रहा है कि जो कुछ नीचा दिखाने वाले कॉमेंट्स तुमने उस इंसान के लिए बोले उसने उसको बहुत डिस्टर्ब किया इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए इसके लिए अगेन फ्यू द फ्यू डेरोगेटरी कमेंट्स यू मेड ऑन हिम इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट यहां से लेके यहां तक दिस इज वॉट दिस इज एन सी इट इज नाउन क्लॉज इट इज नाउन क्लॉज बिकॉज इट इज एक्टिंग एज इन सब्जेक्ट राइट ये सब्जेक्ट है और उसके बाद ये देखिए उसके लिए वर्ब आ गया हैव हेल्पिंग वर्ब डिस्टर्ब मेन वर्ब हेम ऑब्जेक्ट तो एक छोटी सी बात ये ध्यान में रखें आप कि द लिटिल और द फ्यू का जब भी इस्तेमाल आप करोगे तो ये जनरली पार्ट किसके होते हैं जनरली आपको ऐसा देखने को मिलता है ये या तो नाउन फ्रेज होंगे या नाउन क्लॉज होंगे क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा ना कि जो कुछ चाहे थोड़ा जो कुछ थोड़ा नंबर में हो या जो कुछ थोड़ा क्वांटिटी में हो उसके साथ क्या हुआ तो जो कुछ मेरे पास किताबें थी तो मैंने क्या किया वो किसी को दे दी जो कुछ पैसा था वो क्या हो गया लुट गया सो दिस इज द वे ऑफ

sentence aapko little or yeah, a little common sense is required in everybody little or a little common sense is required in everybody what will you choose little or a little yes tell me if i give you this sentence little or a little <laughs> common sense is required in everybody yes what's your call

आप गलत करेंगे सही करेंगे बात को समझने की कोशिश करो यहां पे कंपैरिजन कब होता है देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस यू नो एप्पल्स विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट ऑरेंजेस ओनली यानी दो सिमिलर चीजों के बीच में ही तो आप कंपैरिजन करेंगे ठीक है ऑरेंज की तुलना ऑरेंज के साथ होगी एप्पल की तुलना एप्पल के साथ होगी ऐसा नहीं कि एप्पल की तुलना ऑरेंज के साथ आप कर रहे हो तो Uh, तुलना हमेशा दो के बीच में होती है ये सर नो अब दो फ्रेंड हैं ए एंड बी तो उसमें आप ये कह सकते हो अब जैसे हमने मान लीजिए कोई, फॉर दैट मैटर कोई सेंटेंस कोई नाम हमने ले लिया कि अमन अमन इज वाइजर देन अमन इज वाइजर देन अमित राइट अब दिस इज सेंटेंस अमन इज वाइजर देन अमित सो यू डू नो वी हैव टू एंटिटीज द फर्स्ट वन इज अमन सेकेंड वन इज अमित और आप एक क्वालिटी के बीच में दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि अमन जो है वो ज्यादा बुद्धिमान है अमित के मुकाबले तो यहां पे तो दो एंटिटीज थी और जिनके बीच में कंपैरिजन है बट इफ यू लुक एट द गिवन सेंटेंस क्वेश्चन नंबर फोर वॉट यू फाइंड ओवर हियर वी डू नॉट हैव टू एंटिटीज इन द गिवन सेंटेंस यहां दो लोग नहीं है यहां इंसान तो एक ही है भाई लेकिन उस एक इंसान की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन है अब आप के हमारे अंदर बड़ी सारी क्वालिटीज होती हैं अब हम किसी चीज में ज्यादा बेहतर हैं किसी में थोड़े कमतर होते हैं तो यानी दो लोगों के बीच में नहीं इंसान एक है उसकी दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिज़न है और बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है हमेशा दिमाग में रख लीजिए इसका इस कॉन्सेप्ट को कि वेन एवर यू कंपेयर बिटवीन टू क्वालिटीज नॉट बिटवीन टू एंटिटीज तो जिस क्वालिटी को आपको ऊपर रखना है उसके पॉजिटिव डिग्री से पहले आप मोर लगा देते हैं और दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री में ही होता है तो इस सेंटेंस में जो दिक्कत है वो है इस वाइजर को हटाने की यहां पे आप वाइज लगाओगे इन माय ओपिनियन ही इज मोर हैंडसम देन वाइज राइट मोर हैंडसम देन वाइज तो अब मान लो आपको अगर ये बताना था कि वो समझदार ज्यादा है और हैंडसम कम है चेंज कर लेते हैं अब मान लो शी की क्वालिटी हमें बतानी तो हम क्या कह सकते हैं कि शी इज मोर वाइज

एस टी ठीक है सबको पता है बताएसटी e -E लगा करके आप बनाते हैं और एक और कैटेगरी हमारे पास है जहां पे आप जैसे ये beautiful शब्द है तो beautiful is also adjective, right? अब आपको मान लो को B के मुकाबले ज़्यादा तो आप क्या लिखते हो आप वहां लिखते हो मोर ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और अगर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बताना है तो क्या लिखोगे मोस्ट ब्यूटीफुल हमारे पास ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलस जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता गेटिंग माई पॉइंट टाइम तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उनको लग रहा होता है अच्छा हाँ यहाँ मोर लगाना चाहिए हमें क्योंकि ब्यूटीफुलर तो ER वाला नहीं है लेकिन हम वाइज के पहले क्यों मोर लगाएं? तो आपने इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है कंपेरिजन बिटवीन टू क्वालिटी टू एंटिटीज जब दो एंटिटी में नहीं दो क्वालिटीज के बीच में कंपेरिजन हो तो जिस क्वालिटी को ऊपर रखना है जस्ट पुट मोर बिफोर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी आर एडजिव और उसके साथ दूसरा वाला भी पॉजिटिव डिग्री में ही रहता है क्लियर हो गई बात चलिए जी वेरी इंपॉर्टेंट वन नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी एक्स एंड मिल्क यू आर गोइंग टू ब्रिंग जी बड़ा बड़ा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन मेनी और मच में क्या डिफरेंस होता है भाई पहली बात तो बड़ी प्यारी बात यह है कि इन दोनों के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सेम होते हैं यानी मेनी मोर मोस्ट भी होता है और मच मोर मोस्ट भी होता है मेनी का इस्तेमाल आप किसके पहले करोगे मेनी का इस्तेमाल आप काउंटेबल से पहले करते हो यानी जिसकी गिनती की जा सकती है जो भी नाउन नॉनकाउंटेबल हो उसके पहले मेनी लग जाएगा और जो अनकाउंटेबल है यानी जिसकी गिनती नहीं हो सकती जिसकी आप परिमाण बताते हैं आप मात्रा की बात करते हैं वहां हम मच लगाते हैं जरा इस सेंटेंस में देखें एक्स को आप काउंट कर सकते हो दो चार पांच दर्जन जो भी है तो यहां पे हाउ मेनी लगाना बिल्कुल जस्टिफाइड है लेकिन मिल्क के लिए आपको अलग एडजेक्टिव चाहिए अगर आप नहीं लगाते मिल्क के पहले तो यह माना जाएगा कि आपने यहां पे भी मेनी लगाया हुआ है और मिल्क के पहले मेनी नहीं लग सकता लिक्विड है अनकाउंटेबल होगा तो यहां पे हम क्या बात करेंगे इधर हमें हाउ मच लगाना पड़ेगा तो मच टॉक्स अबाउट क्वान्टिटी मेनी टॉक्स अबाउट नंबर बट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बोथ आर सेम मेनी का भी कंपेरेटिव सुपरलेटिव मोर मोस्ट होता है और मच का भी तो ये बात यहां पे ध्यान रखनी थी आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी मोर देन चाइना इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स जी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी मोर देन चाइना इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स व्हाट डू यू से व्हाट इज द प्रॉब्लम यहां पे वही कॉन्सेप्ट है जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे बात कर रहे थे कि यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस यहां पे आप भारत के जनसंख्या की तुलना चाइना के साथ नहीं करोगे चाइना की जनसंख्या के साथ करोगे तो जनसंख्या वर्सेज जनसंख्या कितने लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं वेरी गुड सपना मोर देन के बाद आप लगा देते हैं दैट आफ लेकिन आज जरा इसका मतलब भी समझ लीजिए क्योंकि इन तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है कुछ मामलों में वो दैन दो जाफ भी होता है और जरूरी नहीं है कि हर बार आफ हो वहां ऑन भी लग सकता है तो क्यों वो दैट ऑफ लगता है उसको जरा समझ लो आप हमने क्या बात करी कि भाई द पॉपुलेशन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की तुलना किससे करोगे आप लिख लेते हैं इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू को हम ग्रामेटिकली विल से रिप्लेस कर सकते हैं इस तीनों शब्द को विल बी मोर इज गोइंग टू बी मोर क्या द पॉपुलेशन ऑफ चाइना ठीक है बाकी जो कहानी है आगे वो लिखी हुई है अब आपको दिख रहा है कि नहीं अब कंपेरिजन बराबर लेवल पे आयानी भारत के जनसंख्या की तुलना द पॉपुलेशन ऑफ चाइना के साथ हो रही है अब बराबरी की बात आई है लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में दिक्कत कहां पे आती है इसको हम कहते हैं रिडेंडेंसी की दिक्कत कि आप जरूरत से ज्यादा एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब अगर आप देखें तो हमने क्या लगाया यहां पे कि दैन के बाद क्या लगा दो दैन के बाद दैट ऑफ लगा दो ये दैट क्या काम कर रहा है ये दैट किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये दैट इशारा कर रहा है द पॉपुलेशन की तरफ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो पहले मेंशन हो चुके नाउन की तरफ इशारा कर रहा है हमने प्रोनाउन का इजाद इसीलिए किया कि नाउन के बार बार इस्तेमाल से हम बच सकें तो यहां पे ये दैट इज रेफरिंग टू व्हाट द पॉपुलेशन एंड दैट इज व्हाई हम वहां पे क्या लगाते हैं वहां पे दैन के बाद विल बी मोर दैन दैन छूट गया यहां लिखने में दैन के बाद आप क्या लगा देते हो विल बी मोर दैन अब आप खुद ही देख लो दैन के बाद ये दैट लगा दिया और इधर ऑफ लगा है तो वही तो हो गया इधर दैन दैट ऑफ चाइना तो आपको यह समझ आ गया कि दिस दैट इज नथिंग बट वॉट इट्स अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत वाचक सर्वनाम दैट इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर नाउन ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द हिंदू इज द मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट जो बार बार यूज होता है और इस कॉन्सेप्ट के साथ दो या तीन तरीकों से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं हिंदू इज द मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया अब देखो इन तरह के क्वेश्चन की खास बात है जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ते हैं आपको ये समझ में आता है कि आइडिया इज सुपर आप यही कहना चाहते हो कि हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर अखबार है आप ये कहना चाहते हो यानी आइडिया सुपरलेटिव है आपका बट सुपरलेटिव आइडिया इज बींग प्रेजेंटेड इन अ कंपेरिटिव स्ट्रक्चर बिकॉज हियर इज यूज और जब दैन लग रहा है इसका मतलब देर इज अ कंपेरिजन सो आइडिया तो आपका सुपरलेटिव है बट सुपरलेटिव आइडिया को आप किसके थ्रू व्यक्त कर रहे हैं कंपैरेटिव स्ट्रक्चर के जरिए और जब कंपैरेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी और यहां पे बहुत प्यार से क्या लगा दिया गया मोस्ट और मोस्ट अभी आपने पढ़ा मच मोर मोस्ट मेनी मोर मोस्ट ये क्या है ये आपका है सुपरलेटिव जो कि गलत है सो इज मोर पॉपुलर देन यहां पर मोस्ट की जगह पे आप क्या लगाने वाले हो ज मोर पॉपुलर और इसके साथ द भी गायब हो जाएगा क्योंकि द मोस्ट क्ली आया था द हिंदू इज मोर पॉप्युलर एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया इसमें दो तरीकों से सवाल पूछे जाते हैं मैंने अगला क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि एक चीजों की क्लैरिटी आपको हो जाए अब अगला सेंटेंस देखो आप इंडिया टुडे इज मोर पॉपुलर देन अदर मैगजीन इन इंडिया दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए यहां पर क्या प्रॉब्लम है इंडिया टूडे इज मोर पॉपुलर देन अदर मैगजीन इन इंडिया वॉट डू यू से अब यहां पॉपुलर से पहले मोर तो लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए भी स्टूडेंट रटके जाते हैं ये सब रूल्स कि जब भी ऐसा है यहां एनी अदर लगा दो वो कई बार ये बात नहीं समझते कि कोई चीज क्यों करी जा रही है और अगर ये क्यों का जवाब आपके पास नहीं है ना तो पेपर में सेंटेंस को थोड़ा सा ट्वीट करके आपको फसाया जा सकता है तो इस बात को समझो अगेन आप कहानी वही है आप कहना चाहते हो कि इंडिया टुडे जो है वो मोस्ट पॉपुलर मैगजीन है लेकिन उस बात को कहने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री मोर लगाया है आपने दैन लगाया हुआ है तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्यों हमें वहां एनी लगाना पड़ रहा है एनी अदर मैगजीन राइट उसका कारण ये है कि आपको इंडिया टुडे जो है इसको बाकी मैगजीन से अलग करना पड़ेगा मान लीजिए एक सर्कल है उसी एक सर्कल में इंडिया टुडे भी है और आउटलुक uh, भी है फॉर दैट मैटर ठीक है आउटलुक भी है बिजनेस लाइन भी बहुत सारे हम ऐसे ऐसे बहुत सारे मैगजीन का नाम ले सकते हैं ठीक है और अब वो एक ही सर्कल में है लेकिन आपको क्या बताना है कि आपको ये बताना है कि इंडिया टुडे सबसे ज्यादा पॉपुलर है यानी बाकी के एक तरफ है और इंडिया टुडे अलग है तो इंडिया टुडे को इस सर्कल से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको ये एनी अगर एनी मैगजीन वो कई बार ये काम करते हैं या तो एनी गायब कर देते हैं या अदर गायब कर देते हैं देन एनी मैगजीन लिख के चले आएंगे वो देन एनी मैगजीन तो वहां आपको अदर लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही आप एनी अदर करते हो एनी अदर करते ही ये इंडिया टुडे अब इस सर्कल से बाहर आ गया इंडिया टुडे बाहर आ गया ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी सर्कल और इसमें बाकी के जितने भी मैगजीन हैं ए बी सी डी वो एवर ये सब के सब इसमें आ जाएंगे तो अब हमारे पास जो है दो एंटिटीज़ हो गई और अब कंपैरिज़न पॉसिबल है तो क्योंकि हम कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं वी नीड टू एंटिटीज फॉर कंपैरिज़न एंड दैट इज वाई वी नीड टू यूज एनी अदर फ यू डोंट यूज दिस अदर थिंग और एनी अदर तो उसमें मतलब क्या निकल के आएगा कि वो एक ही सर्कल में और एक ही सर्कल में तो फिर सुपरलेटिव होता है जैसे पूरी क्लास में आप कहते हो कि यू नो दिस स्टूडेंट इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो वो तो पूरे में से फिर एक निकलेगा लेकिन कंपेरिजन के लिए हमें दो करना पड़ेगा तो आपको फिर क्या कहना पड़ेगा जैसे किसी का नाम ले लिया फॉर दैट मैटर प्रियंक तो प्रियंक का नाम ले लिया कि प्रियंक इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास अब ये एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं हम ये भी कह सकते हैं प्रियांक इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे क्या कहा कि प्रियांक इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास अब इसी बात को द सेम आइडिया कैन बी प्रेजेंटेड इन थ्रू अदर सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल लाइक प्रियांक इज इज प्रियांक बेटर दैन एनी अदर स्टूडेंट एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास सेम आइडिया और एक और स्ट्रक्चर बता दूं जैसे मैंने आपको कहा कि तीन तरीकों से इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रियांक इज प्रियांक इज बेटर देन प्रियांक इज बेटर देन ऑल अदर ऑल अदर स्टूडेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन आपको अब यह ध्यान में रखना है कि भाई जब भी आप एनी अदर का इस्तेमाल करते हो तो एनी अदर के साथ यू यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन लाइक हियर एनी अदर तो हमने स्टूडेंट का इस्तेमाल किया बट द मोमेंट यू यूज ऑल अदर इफ इन देंटेंस ऑल अदर इज गिवेन देन यू हैव टू गो विद्लूरल काउंटेबल नाउन एंड दैट इज वाई यहां ऑल अदर के साथ हम किसके साथ जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं तो पेपर में यही गेम वो खेलेंगे कई बार सेंटेंस के लेटर पार्ट में वो एरर दे देते हैं पार्ट में वहां वो लगाएंगे, को कर देंगे, लगाएंगे, बहुत प्यार से सुपरलेटिव का वर्ड दे देते हैं जैसे आपने देखा बेस्ट जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था दिस वन अब यहां पे बड़े प्यार से मोस्ट दे दिया या वो कह सकते हैं दिस इज बेस्ट न्यूज़पेपर तो ये सब बहुत चालाकी से किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट प्रेशर में है पेपर लिखने के उसको सेंटेंस में ये फीलिंग आ रही कि ये तो सुपरलेटिव वाली फीलिंग है उसको लगता है सेंटेंस तो ठीक ही है बट ऐसा नहीं है तो ये घंजक्कर आपके लिए पैदा किए जाते हैं इसको ध्यान में रखें अब यहां पर आपको बात समझ आ गई आइडिया इज सेम यू जस्ट वॉन्ट टू कन्वे द फैक्ट कि प्रियांक क्लास का सबसे बेहतर स्टूडेंट है लेकिन इसी आइडिया को हमने इन तीन अलग अलग स्ट्रक्चर से यहां पे प्रस्तुत किया है और इसमें वो झोल करके आपको परेशान कर सकते हैं ठीक है तो इस बात का ध्यान अगर यहां पे बहुत चालाकी से लिख दिया जाए प्रियांक इज द बेस्ट देन तो आपको ध्यान रहना चाहिए यार देन तो बेस्ट तो मैं लगा ही नहीं सकता चलिए जी ही हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट अचीव दिस रिजल्ट एंड ऑल ऑफ देम हैोर डेयरिंग यस अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्सट एंड टेल मी

तो v1 प्लस ing जो है यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ठीक है और वेरी यहां पे एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री ये डिग्री को बढ़ा रहा है कि उसने बहुत सारे सारी कोशिशें करी इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए और उसकी सारी कोशिशें जो हैं वो बहुत बहादुरी पूर्ण रही हैं बट लेकिन ये वाला जो उसका अटेम्प्ट है बट दिस अटेम्प्ट ऑफ हिज इज अब यहां पे अगेन आप देखो उसकी बहुत सारी में से अब बात आप एक की कर रहे हो यानी बहुतों में से जब एक आएगा तो वो फिर सुपरलेटिव है यहां दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन नहीं है तो इधर आपको सुपरलेटिव लगाना पड़ेगा इज द मोस्ट डियरिंग दैट वाज द करेक्शन रिक्वायर्ड एंड डेयरिंग इज अगेन एजेक्टिव आउट हियर गॉट इट समझ में आ गया वेरी गुड सुचित्रा एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे

तो प्लस का मतलब उसके बाद एनफ लगना है और एनफ अगर पहले लगा हुआ है तो उसके बाद नाउन आएगा जैसे कि हमने सबसे पहला वाला सेंटेंस ही किया था कि यू हैव एनफ 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 इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस सो इज इज नाउन एडजेक्टिव एंड इंटेलिजेंट ऐसे कोई भी पकड़ के आप कर सकते हो अब किसी इंसान की तारीफ करनी है आपको स्ट्रांग एनफ शी इज स्ट्रांग एनफ टू तो फेस एनी सिचुएशन बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल ही तो चेंज करनी है अब अगर मैं

सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफायर्स ओनली बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखोगे अभी एडवर्ब आने दो वहाँ पे यू विल लर्न वट इज दिस प्लेस्ड मॉडिफायर्स डेंगलिंग मॉडिफायर्स इंटरेस्टिंग और बैंकिंग के हिसाब से मिसप्लेस मॉडिफायर बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिसप्लेस मॉडिफायर में आपको वर्ड भी मिल सकता है फ्रेजे भी मिलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है बैंकिंग के ग्रामर में तो फ्रेज का भी रिप्लेसमेंट होता है उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ होती है मिसप्लेसड होता है और कई बार क्लॉज की भी प्लेसमेंट गड़बड़ होती है तो चलिए थैंक यू थैंक यू एवरीवन लेट्स कैच अप ऑन फ्राइडे ओनली नहीं सुचित्रा डेली क्लास नहीं चलती है इंग्लिश की क्लास जो है है याद रखिए मंडे वेन्सडे और फ्राइडे ठीक है मजा आया कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया अगर आता होगा तो रिवाइज हो गया नहीं आता होगा तो आपको पता लग गया ठीक है और बिल्कुल वो की भी बात करेंगे हम आगे अभी जैसे ग्रामर फाउंडेशन है थोड़ी ग्रामर की क्लासेस लो आप और जो आप बैच की डिटेल पूछ रहे थे यहां देखिए बैच की डिटेल है फोर्टीन फेब्ररी से क्लासेस आपके स्टार्ट हो रही हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है ट्वेल्थ फेब्रवरी शाम सात बजे से ठीक है जो बैंकिंग के अंदर पांचों एरियाज पांचों एरियाज तो वैसे आपको मेंस में मिलते हैं लेकिन एक कंप्लीट बैच करियर वेल पे आ रहा है कि आप एक ही साथ पूरी तैयारी करें प्री अप टू मेंस लेवल का तो इसमें आपका कम जीए जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग के साथ और ये पांचों एरियाज आपके पास अवेलेबल होंगे कितने में फोरटीन नाइन नाइन में जो शुरुआत में आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है वैसे फीस तो अब इतने सब्जेक्ट हैं टेक्नोलॉजी का इतना एक्सपेंस आता है वो फोर नाइन नाइन है वो वैसे ही घट के वन ट्रिपल नाइन हो जाता है यानी मैक्सिमम फीस फिर भी आपकी टू थाउजेंड ही होती है लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट ले लेते हैं तो वन फोर नाइन नाइन में ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाता है और साथ ही साथ इस बार के बैच की खासियत यह है कि यहां पे आपको वीओडी भी मिलेगा लाइव प्लस वीओडी तो इस नई टीम के साथ जो पहला बैच आया था 15 अक्टूबर को जो कि दिसंबर लास्ट तक खत्म हो चुका था हमने दो बड़ी मेहनत करी थी उसमें एक एक सब्जेक्ट में दो दो क्लासेस क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे तो वो कंप्लीट कोर्स का वीओडी भी आपको मिल जाएगा यानी इन तीनों एरियाज के इंग्लिश रीजनिंग में इन सबके रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको उसी समय मिल जाएंगे जैसे ही आप बैच में एनरोल करेंगे तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो और वैसे हमारे पास वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अभी एग्जाम्स में हमारे पास टाइम है तो लाइव भी आपके पास होगा तो किसी के एग्जाम पहले आ जाते हैं तो वो वहां से भी वो रेफर कर सकता है तो जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप इसके लिए इसके बारे में बता सकते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्री अप प्री से लेकर के मेंस लेवल का इस प्राइस पॉइंट में आपके पास अवेलेबल है शिव यादव इज आस्किंग अबाउट ओनली इंग्लिश तो वो अब हमने अलग करना छोड़ दिया राइट वो इसीलिए हमने कर दिया फीस देखो इंग्लिश अलग आती थी आपको याद होगा ट्रिपल नाइन फीस हुआ करती थी इंग्लिश की मैथ्स की रीजनिंग की तो हमने इसीलिए फीस को बहुत कम कर दिया कि भाई किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो और फिर ये भी सवाल ना रहे कि मेरा ये वाला एरिया कमजोर है बिकॉज यहाँ पे एस से लेवल ऊपर पहुंच जाता है चाहे आप रीजनिंग की बात करिए मैथ्स की बात करिए तो हमें पूरा सीखना जरूरी है और तरीके से सीखना जरूरी है और आपके मन में भी पूरा संतोष रहे कि यार मैंने सारे एरियाज़ कवर कर रखे क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी देता है कि आई हैव कम्प्लीट आई हैव कम्प्लीटेड द कंप्लीट कोर्स चले दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच कल मुलाकात करते हैं आशीष सर के साथ आप रोज सुबह दस बजे मिल रहे हैं आ, अनुकूल सर के साथ भी आपकी मुलाकात होगी कल चलिए थैंक यू थैंक यू एवरीवन लेट्स कैच अप ऑन फ्राइडे थैंक यू